Thank you. Oops. Let's see. The term leverage has been derived from the word lever. A lever is an instrument used to lift up heavy objects. In the given video, we can see that a man is lifting up a heavy rock with the help of a lever. A lever over here is the iron rod the help of which this man is able to lift up something which he could not have done otherwise. A lever is an instrument requiring little efforts to get big results. The dictionary meaning of leverage is an increased means of accomplishing some purpose. In financial management, the term leverage is used to describe the firm's ability to use fixed cost assets to increase the return for its owners or equity shareholders. चलो जी थैंक यू उनको बोलना बस आप मत दो लाओ यार Now, आप ने मेरे साथ ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कोई है जिन्होंने आज से ज्वाइन किया है कोई नहीं है ना एक ने कोई बात नहीं मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ क्विकली तो जो हम ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था लीवरेज को जस्ट टच किया था आज हम इसका खूब सारा प्रैक्टिकल करेंगे थैंक यू सो मच आज हम खूब सारा इसका प्रैक्टिकल करेंगे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या किया था टर्म लीवरेज है लाओ लीवरेज no, है लीवर को कहते हैं एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्टअ अप जैसे ये सबसे पुराना लीवर का एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंट यूज टू हैवी ऑब्जेक्ट्स हमें इससे इस, इस चीज से कुछ करना नहीं है मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं आपको यहां हमने लीवर का कुछ नहीं करना है बट अगर आपने इस वीडियो में भी देखा हो इफ यू सॉ इन देखो ये जो लीवर था इतना बड़ा हैवी रॉक इतना हैवी रॉक इस लीवर के हल्प से इस आयरन रॉड के हेल्प से इसको मूव कर दिया हैदरवाइज देन दैट एक बंदा ये काम नहीं कर सकता आप लोगों ने प्रोबेबली कभी ना कभी कभी ना कभी गाड़ी का जैक देखा होगा वो भी लीवर होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज हैवी ऑब्जेक्ट्स तो एक छोटा सा छोटा सा आप जो है है लीवर वो होता यू कैन सी और उस जैक की हेल्प से आप इतनी हैवी गाड़ी उठा लेते हैं और घंटों घंटों तक उसके ऊपर रख सकते हैं इट कैन लिफ्ट इट अप उसका जो लेवल है उससे ऊपर लेके जा सकता है लीवर तो तो लीवर जो है is an, is an तो है इज इज एन एन इंस्ट्रूमेंट टू लिफ्ट एक ये मीनिंग दूसरा लीवर हम लोग कहते हैं लीवर जो है डिक्शनरी मीनिंग क्या है लीवर, लीवर का हम लोग कहते हैं पहली चीज तो लीवर का मतलब यही है इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिफ्ट लिफ्टअपी ऑब्जेक्ट या लीवर इज एन इंस्ट्रूमेंट विद विद्प ऑफ विच विद लिटिल एफर्ट वी कैन गेट बिग रिजल्ट थोड़े से, एफर्ट से बड़े रिजल्ट आ जाएंगे तो लीवरेज टर्मिनोलॉजी जो निकली है वो यहीं से निकली है क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं यहां पर हम लोग भी विद लिटिल एफर्ट बिग रिजल्ट करेंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल भी दिखाया था कि हमने थोड़ा सा चेंज किया था और हमारा बहुत मेजर इंपैक्ट आया था प्रॉफिटेबिलिटी में मैं अभी आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दूंगा बट वो वो कहलाता है लीवरेज का इफेक्ट वो हम लोगों ने अल्टीमेटली वही चीज पढ़नी है लेकिन शुरुआत में हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं तो पहले एक पहलू पढ़ेंगे आज तो लीवरेज जो है इस बेसिकली इंक्रीज मीन ऑफ अकम्पलिशिंग सिंपल सी बात मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा आप लोग कभी ना कभी किसी फाइव स्टार होटल में गए हो गए बढ़िया है। एक कह रहा है नहीं गए एक कह रहा है पंज तारा ठेके उतरे बह के उतारा तेरा सारा गुस्सा क्या बात है सबके अपने अपने शौक है भाई एक कहता हम नहीं जाते क्यों नहीं जाते कहते गर्लफ्रेंड नहीं है वाह शबाश तो बढ़िया यार क्या करें मजाक छोड़ते हैं अब होटल इमेजिन करो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग ह्यूज बिल्डिंग तो कितना ज्यादा उसका रेंट होगा कितना रा सारा स्टाफ तो कितने सारे स्टाफ की सैलरी होगी आप वहां पे जाओ ना जाओ उनका फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल जा ही रहा है

जो कि होंगी होंगी स्टाफ सैलरी रेंट डेप्रीसिएशन इंश्योरेंस प्रीमियम इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा ये सारे खर्चे होंगे होंगे इमेजिन करो किसी को भी example, छोड़ो, सोचो, देखो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या है इमेजिन करो उनके जो प्लेन्स हैं अगर वो प्लेन्स है उन प्लेन्स का किराए पर लिया तो हो तो लीज रेंट जो होगा उसका कितना ज्यादा होगा करोड़ों रुपए के प्लेन है तो रेंट कितना ज्यादा होगा अगर अपने होंगे तो डेप्रिसिएशन 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 होगा ऑफ एयरक्राफ्ट लीज रेंट हो हो या हो जैसा भी है फिर इसके अलावा आपके स्टाफ की स्टाफ की सैलरी में बहुत सारा स्टाफ आता है यहाँ पे तो एक तो ड्राइवर कंडक्टर भी होते हैं इनके पायलट और एयर होस्टेस है ना जी इनके ड्राइवर कंडक्टर के अलावा और भी बहुत सारा ग्राउंड सर्विस स्टाफ होता है बैगेज चेकिंग के लिए उनके अदरवाइज हैंडल करने के लिए and so on and so forth. तो बात क्या है स्टाफ की स्टाफ की जानी-जानी है huge. Accordingly, इनका कितना ज्यादा तो AMC होगा मेंटेनेंस चार्जेस भाई इतनी महंगी वहीकल है इतना महंगा एयरक्राफ्ट है करोड़ों रुपए का तो उसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस ये लोग जनरली एमसी करवा के रखते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने ज्यादा होंगे इमेजिन करो तो बात क्या है ये ऐसी इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील फैक्ट्री एयरलाइन इंडस्ट्री या होटेल्स इनके ह्यूज फिक्स कॉस्ट होती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो अकॉर्डिंगली इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के होने के कारण कुछ रिस्क पैदा होता है कि भाई तू सेल कम कर ज्यादा कर ना कर ये तो फिक्स कॉस्ट हो ही रही है तो दैट कॉज इज दिस फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड वेदर देर आर मोर सेल्स लेस सेल्स द केस तो एंड दैट इज वॉट इज कॉजिंग ऑपरेटिंग रिस्क वैसे अगर हम बोले तो हम लोग क्या कहते हैं सुनना मेरी बात लीवरेजेस के दो हैं लीवरेजेस के दो हैं एक तो इट इज एन अ टूल इट इज अ टूल विद द हेल्प ऑफ विच With little effort, we can get big results. थोड़े से एफर्ट से बिग रिजल्ट्स आ सकते हैं ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क मेजरिंग रिस्क अभी हम लोग आज की क्लास में और नेक्स्ट क्लास में इसी पे फोकस करेंगे ओनली एंड ओनली इस एरिया पे टूल ऑफ मेजरिंग रिस्क टू क्लासेस विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द इंपैक्ट ऑफ लीवरेज फिर हम कहेंगे उसके बाद कहेंगे इन टू क्लासेस के बाद प्रॉब्ली थर्ड क्लास में मैक्स कहीं फोर्थ क्लास में विल से हायर लीवरेज मीन्स हायर रिस्क ये तो आज ही हम लोग समझ जाएंगे इस बात को हायर रिस्क लोअर लीवरेज मींस लोअर रिस्क तो हायर लीवरेज मीन्स हायर रिस्क एंड हायर रिस्क मीन्स हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न हायर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न और फिर हम वहां देखेंगे कि अगर लीवरेज ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग विद लिटिल एफर्ट थोड़ी सी एफर्ट करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सुपरली मैग्निफाई कर सकते हैं जितना ज्यादा लीवरेज उतना ज्यादा हम अपने रिटर्न को मैग्निफाई कर सकते हैं विल सी दिस लेटर ऑन। दिस इज द सेकंड आस्पेक्ट दिस विल नॉट डिस्कस टूडे नेक्स्ट क्लास इनिशियली आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन वन एरिया लीवरेज इज अ टूल्स ऑफ मेजरिंग रिस्क अभी सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे देन आई विल लिंक कि भाई लीवरेज अगर ज्यादा होती है इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है ज्यादा रिस्क होता है ज्यादा रिस्क होता है तो ज्यादा पोटेंशियल और ज्यादा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न होती है आओ जरा देखें अगर लीवरेज ज्यादा है इफ देर इज अ हाई लीवरेज देन विद लिटल एफर्ट वी गेट बिग रिजल्ट क्या का मतलब रिजल्ट्स थोड़ी सी सेल्स बढ़ाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी मेजर आ जाएगा। अभी we'll right अभी हमारा हमारा फोकस फोकस नहीं है, अभी हमारा इस पे फोकस है। नाउ इज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम लीवरेज को बोलें, तो लीवरेज में हम लोग वॉट हाउ डू वी डिफाइन लीवरेज लीवरेज में हम लोग क्या करते हैं अपने फिक्स कॉस्ट असेट या फिक्स कॉस्ट कैपिटल ये दो चीजें एक फिक्स कॉस्ट असेट्स एक है फिक्स कॉस्ट कैपिटल ये फिक्स कॉस्ट असेट्स ये मेरा ऑपरेटिंग रिस्क कॉस्ट करता है कि भाई मेरे को कॉस्ट है ड्यू टू माय मैंने बिल्डिंग किराए पे ली रेंट जा रहा है या मैंने बिल्डिंग खरीद ली और इंश्योरेंस हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो माई अट उनको हायर किया ह्यूमन रिसोर्स भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी इनका तो मेजर इन्वेस्टमेंट ही ह्यूमन रिसोर्स में होता है इतना ज्यादा तो उनका ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट होता है आईटी कंपनीज का अगर बोले तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज जो फिक्स करेंगे अभी। मैंने क्लास शुरुआत में आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा लिखवा तो दिया ये चीजें लिखवा दी है बट अभी गहराई में समझते हुए इनकी प्रैक्टिकल टर्म्स करेंगे इन अवाइल तो ऐसा फाइनेंशियल रिस्क हम लोग क्या कहते हैं हम लोग हो सकता है कि एक कंपनी जो है अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करने के लिए कुछ फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से अपने आप को बर्डनिंग कर ले जैसे अगर उन्होंने क्या किया उन्होंने डेट ले लिया भाई फोन छोड़ दे यार उन्होंने डेट ले लिया डेट ले लिया मतलब उधार लिया तो उधार पे फिक्स इंटरेस्ट जाना ही जाने तुम्हारी कमाई कम हो ज्यादा हो इनको इंटरेस्ट तो देने ही देना इस तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे भी आपको पता होगा कि प्रेफरेंस शेयर्स पे भी फिक्स डिविडेंड जाता है

तो हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स की रिटर्न मैग्निफाई कर सकते हैं अगर हमारा ज्यादा लीवरेज है अगर हमने ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क दोनों ज्यादा लिया हुआ है ओवरऑल या कंबाइंड रिस्क ज्यादा लिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम अपने शेयर होल्डर्स की रिटर्न मैग्नीफाई कर सकते हैं आप देखोगे मैं आपको इंपैक्ट दिखाऊंगा मैं आपको इंपैक्ट दिखाऊंगा ऑन अर्निंग्स पर शेयर आई विल शो यू द इंपैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर कि हमारे थोड़े से एफर्ट हमने 10 परसेंट सेल बदली मैं अभी दिखाई देता हूं बाद में क्या करना है तो मैं अभी इस पर फोकस नहीं कर रहा जस्ट मैं बता रहा हूं कि इस पर हम लोग आएंगे जो लीवरेज टर्म है वो इस कारण से लीवरेज इसका नाम रखा गया मैं अभी आपको दिखाता हूं टेक एन एग्जाम्पल सेल्स सिंप्लिसिटी के लिए एक लाख रुपए लेस वेरिएबल कॉस्ट सिंप्लिसिटी के लिए मेरी मर्जी पचास परसेंट तुम बोलो मैं बीस परसेंट मेरा एग्जाम्पल है छोड़ो हाँ और अब ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन ये तो आप भी बताओगे और मैं भी बताऊंगा सेम ही अमाउंट बताएंगे एटी थाउजेंड इसमें से कॉस्ट ये मैं बताऊंगा मेरी मर्जी सेवेंटी थाउजेंड तो ये ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तो ये तो आप बताओ या मैं बताऊं दोनों सेम ही बताएंगे दिस इज थाउजेंड लेस इंटरेस्ट नाइन थाउजेंड मेरा एग्जाम्पल मेरी मर्जी ई बी टी ये आ गया एक हजार लेट्स से टैक्स सिंप्लिसिटी के लिए पचास परसेंट सिंप्लिसिटी के लिए राउंड फाइव हंड्रेड तो ये अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया सिंप्लिसिटी के लिए मैं अभी मान के चल रहा हूं प्रेफरेंस नहीं है इज नो प्रेफरेंसर कैपिटल तो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर्स दैट इज टू से फाइव हंड्रेड एंड लेट्स ए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू फिफ्टी ईपीएस इज रुपीज टू प्रेफरेंस नहीं है प्रेफरेंस नहीं है इक्विटी को डिविडेंड देना कोई फिक्स कॉस्ट तो है नहीं कुछ ऐसा है ही नहीं अकॉर्डिंगली वंस अगेन ये इनकम स्टेटमेंट हम लोगों ने ऐसे बनाई कुल लीवरेज का इंपैक्ट दिखाता हूं लीवरेज का इंपैक्ट दिखाता हूं मैं यहां एक परसेंट सेल बदलूंगा मेरा ईपीएस अस्सी परसेंट बढ़ जाएगा और यही अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो अस्सी परसेंट डाउन चला जाएगा सॉरी ऐसे कैसे? कैसे? ऐसे ऐसे लाख, पहले बता हूं ना प्लस एट्टी परसेंट कितना टू रुपीस प्लस टू रुपीस प्लस वन रुपीस पैसा है ना थ्री रुपीज सिक्सटी पैसा लो जी तीन रुपए साठ पैसे आएगा देखते हैं एट्टी थाउजेंड एट हंड्रेड इसमें से फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है ना सेवेंटी 10,000, एट 10, हंड्रेड इसमें से इंटरेस्ट तो सेम ही ना नौ हजार एक हजार आठ सौ इसमें से टैक्स फिफ्टी परसेंट नौ सौ नौ सौ काटो नौ सौ बचा नौ सौ डिवाइड बाई टू फिफ्टी देखो जरा बधाई हमें तो पहले ही पता था दिस इज द मैजिक ऑफ लीवरेज विद लिटिल एफर्ट

और ज्यादा रिस्क होने के कारण इसमें रिटर्न फॉर इक्विटी शोल्डर्स मैग्निफाई होने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है विद एफर्ट मात्र एक सेल बदलने से हमारी पर शेयर बदल जाती है दिस इज वॉट वी विल बी स्टडिंग नॉट टूडे मैं सिर्फ ग्लिम्स दे रहा हूं कि भाई कोई कहे सर लीवरेज इसका नाम क्यों पड़ा मैं आपको यहां इसका ग्लिम्स दे रहा हूं कि दिस इज वाई इट इज कॉल्ड लीवरेज अभी हम लोग सिर्फ एक एरिया पे फोकस करेंगे

हाउ आई विल भी टीचिंग यू नंबर वन मैं आपको स्टोरी केस एनिमेशन ठीक है जी कोई भी चीज से या अदरवाइज जैसे भी है मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको या आपको अदरवाइज मैं आपको आई विम लेट यू कमिट मिस्टेक्स मैं आपको गलती करने दूंगा और उस गलती से आपको सिखाऊंगा कि ओके गाइस व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक तो वहां से हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे यहां पर इस सब्जेक्ट में इक्वेशंस बहुत हैं जिनको दुनिया फॉर्मूला कहती है बट मैं कोई भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं कुछ भी नहीं नथिंग आई विल मेक दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई विल इन्वॉल्व यू इन डेवलपिंग दो थिंग्स स्लोली एंड स्टडीली एनी चैप्टर हर चैप्टर में मैं वो आपसे ही बनवाऊंगा बस 95% केसेस में बना पाऊंगा 5% केसेस ऐसे होंगे जहां पे मैं बताऊंगा भाई ये है क्योंकि वो बहुत ही डीप अजम्पशंस से है बना हुआ है तो वो मैं आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं करा सकता वहां पे अदरवाइज देन दैट तो मैं कांसेप्ट समझाऊंगा कांसेप्ट समझाने के साथ-साथ मैं आपको जैसे थ्योरी लिखवा देता हूं आज क्लास की शुरुआत में आप सब लोगों ने थ्योरी इसकी कुछ लिख ली एज द केस में भी वो अपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करके उसको लिखते हैं फिर उसके बाद विल कम टू आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आर माई बुक इज कैटेगराइज इन टू पार्ट वन इज द सॉल्व प्रॉब्लम्स ठीक है जी प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बोल दो दूसरी आर सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम या अनसोल्व प्रॉब्लम्स राइट गाइज सोल्व प्रॉब्लम है अनसॉल्व प्रॉब्लम ये दो तरह की प्रॉब्लम है हमारी ये अनसोल्व प्रॉब्लम की हंड्रेड परसेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन क्लास में मैं सारी की सारी अनसोल्व प्रॉब्लम आपको कराऊंगा सॉल्व प्रॉब्लम में हंड्रेड परसेंट ना सही बट नाइंटी नाइन परसेंट मान लेते हैं या नाइंटी एट परसेंट मान लेते हैं मैं होमवर्क दूंगा टू परसेंट में कराऊंगा दिस विल बी योर होमवर्क फर्दर मोर अब बट ऑबली बात है अब solved problems, मैं आपको डेली मैं जो होमवर्क दूंगा मेरा एक एस्टिमेट क्या है देखो ऐसा है आपका पेपर आता है टोटल जो पेपर होता है आपको लिखने की आदत होनी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है तो आपका पेपर आते सारे के सारे पेपर हंड्रेड मार्क्स के हैं दिस यू नो अब हंड्रेड मार्क्स के लिए द इंस्टीट्यूट अलाउज यू थ्री आवर्स या वन एटी मिनट पंद्रह मिनट पढ़ने के भी ऑल मिलते हैं टोटल मिला के अगर बोलो तो वन नाइन फाइव मिनट्स मिलते हैं मोटा मोटा ठीक है जी पंद्रह मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा इंटरमीडिएट में फिर आप जो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद आपको आंसरशीट पकड़ा दी जाएगी तीन घंटे में आपको आंसरशीट में लिखना है तो मैं उस पंद्रह मिनट में आपको सवालों को एनालाइज करना सिखाऊंगा जस्ट बाय रीडिंग दी प्रॉब्लम हाउ यू कैन एनालाइज दर प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो लोग भी मेरे से कॉस्ट पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये इसकी आदत हो गई होगी अभी तक कि हम क्वेश्चन जब पहली बार आप पढ़ोगे पहली बोल दू फर्स्ट टाइम बुक में जो जितने भी क्वेश्चन है अनसोल्व प्रॉब्लम आई गिव यू अ टाइम टू रीड आई से गाइज ये क्वेश्चन पढ़ लो तो मेरे हिसाब से उस क्वेश्चन को लेट से कोई क्वेश्चन होंगे बहुत छोटे थर्टी सेकेंड्स कोई होगा थोड़ा सा बड़ा एक मिनट कोई बहुत बड़ा दो तीन चार पांच मिनट डिपेंड करता ऑन द साइज ऑफ द क्वेश्चन

तरीका है वो मैं आपसे सारे फॉर्मूला शेयर करूंगा मैंने बच्चों को गलती करते देखा इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे जल्दी के चक्कर में गड़बड़ कर जाते हैं क्वेश्चन पहले पढ़ते पढ़ते, पढ़ते बस एनालाइज आंसर खत्म हो गई बात आई सीन दीस थिंग्स एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ यू टू डू दीस थिंग्स हेस वॉट विल डू इज आर क्लास विल बी इन दिस मैनर ओनली आई गिव यू दाइम टू रीड नंबर वन नंबर टू आई विल रीड द क्वेश्चन एंड एनालाइज इट फॉर यू मैं बहुत सारे सवाल तो आपको आपके कैलकुलेटर में करवा दूंगा बड़े से बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन में करवा दूंगा कि ओके सी और जिस टाइम पे मैं समझा रहा हूंगा, उस टाइम पे आप कुछ नहीं लिखेंगे आपने अपनी बुक में कुछ भी नहीं लिखना यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग एक्सेप्ट मैं हर क्वेश्चन के आपको मार्क्स बताऊंगा आपकी टाइम टाइम मैनेजमेंट के लिए कि यार ये सवाल पांच मार्क का है तीन का है आठ का है दस का है

जब सेकंड टाइम आप रिवीजन करोगे जब मतलब आप पढ़ चुके होगे एक बार और जब रिवीजन कर रहे होगे उस टाइम पे आपको कोई भी सवाल एक मार्क दो मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए तो मार्क्स का क्वेश्चन आइडियली आपको मिनट्स में करना होगा बट हम अभी अभी हम लोग ट्वेंटी में ले जाएंगे दस मार्क ठीक है यार चलता है फॉर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस वी विल डू इट लाइक दिस बट सेकंड टाइम वेन सेल्फ प्रैक्टिसिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू तो इसलिए मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं आई वॉन्ट यू टू हैव दैट ऑफ़ इट उसके हिसाब से आप जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे कि यार ये इतने मिनट में हो जाना चाहिए फिर इसके बाद बारी आती है जितने भी सोल्व क्वेश्चंस हैं मैं उसको रीड और एनालाइज करूंगा एक्सप्लेन करूंगा और मोर और लेस क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते वहीं पे ही या तो आपके कैलकुलेटर पे या मैं यहीं पे समझाते समझाते सॉल्व करवा लूंगा आपसे उस टाइम पे आप कुछ नहीं लिखेंगे आप बस सुनेंगे कनेक्ट करेंगे मेरे साथ और सब्जेक्ट के साथ देन आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन विच इज गोइंग टू बी इन अ मैनर कि एग्जामिनर एक छोटा बच्चा है उसे कुछ नहीं आता उसे एक एक चीज समझा के आनी है कोई भी वर्किंग नोट कोई भी एजम्शन कुछ भी चीज की अगर जरूरत पड़ रही है हमें एक एक चीज हमें वहां पर लिख के आनी है पेपर है, आपको एक एक छोटी से छोटी चीज वहां एग्जामिनर को दिखा क्या नहीं है भाई, ये है, सो आई गिव यू प्रेजेंटेशन नो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये वाली प्रेजेंटेशन कैन गेट यू फुल आउट ऑफ फुल बट प्रोबली मेरे एक दो तीन सवाल हद मार के कराने के बाद या मेरे एक सवाल कराने से पहले भी आप में से काफी लोग मेरे से पहले सॉल्व कर लोगे एंड आई वुड लव दैट अनसॉल्व प्रॉब्लम मेरे कराने से पहले आप कर लो इट्स अमेजिंग लेकिन मैं हर क्वेश्चन को इक्वल नहीं मानता क्योंकि आधे सवाल लॉलीपॉप है उनकी मैं बात नहीं करता जो अच्छा क्वेश्चन होगा इफ देर इज अ गुड क्वेश्चन विच यू हैव सॉल्व इट विद अ गुड प्रेजेंटेशन डिपेंड्स आईदर यूल गेट अ चॉकलेट और यूल गेट अ पेन डिपेंड्स ऑन वॉट इज द्वेश्चन टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन को मैं नहीं काउंट करूंगा और यहां पर जितने आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने काफी सारे पेन्स जीते हैं पास में भी जीते हैं आप भी जीतोगे लेट लेटस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू यू नो डू दैट लेट्स कंपीट एनी हाउ फाइनली अब मैं बढ़ रहा हूं आगे तो क्या हम लोग लीवरेजिस के बारे में पढ़ रहे थे देखिए हमारे ना रिस्क होते हैं तीन तरह के बेसिकली एक तो है बिजनेस रिस्क एक है फाइनेंशियल रिस्क एक है ओवरऑल रिस्क, रिस्क और इन तीनों को मेजर करने के लिए हम लोग लीवरेजेस निकालते हैं तो लीवरेजेस को कहा जाता है आर टूल्स ऑफ मेजरिंग बिजनेस को ऑपरेटिंग रिस्क भी कहा जाता है फाइनेंशियल रिस्क रिस्क एंड ओवरऑल नाउ वन वन बाय सबसे पहली चीज रिस्क को ब्रॉडली अगर मैं कहूं ओवरऑल तो चलो दोनों को मिला के हो गया वैसे अगर बोले तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज होती है कौन कौन सी बताओ ऑपरेटिंग रिस्क का दूसरा नाम बताओ ऑपरेटिंग रिस्क का दूसरा नाम बताओ

इसी अंग्रेजी में लिखे तो ऐसे बोलते day -day business, में अब के example, मैंने अभी दिए थे फिर से आ रहे हैं फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे मैंने आपको बोला फाइव होटल है उसमें भैया इलेक्ट्रिसिटी ए सी चल ही रहा है लाइटें ही रही है इस तरीके से आपका फिक्स सैलरी इसी तरीके से आपके फिक्स टेलीफोन का बिल इसी तरीके से आपके प्लांट एंड मशीनरी का रेंट इंश्योरेंस प्रीमियम डेप्रीसिएशन जो मर्जी कहते हैं उनका रेंट तो बात क्या है चाहे आपकी सेल कम हो या ज्यादा हो ये वाले बिल तो आपको आ ही रहे हैं ये बिल आ ही रहे हैं ये खर्चे हो ही रहे हैं तो दिस रिजल्ट्स इन अ रिस्क दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स दीस फिक्स कॉस्ट विल बी इनकर्ड ये फिक्स कॉस्ट इनकर होंगी ही होंगी ठीक है जी और मैं भी आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ लास्ट क्लास में मैंने पूछा था जिन्होंने जवाब दिया था मैक्सिमम ने गलत जवाब दिया था और उन्होंने वहां से लर्निंग ली थी और एक बार फिर देखते हैं कई बार क्या होता है एक इंसान चल रहा होता है चलते चलते उसके सामने केले का छिलका आता है वो ध्यान नहीं देता उसके ऊपर पाँव रख देता है फिसल जाता है फिर कपड़े गंदे होते हैं घर जाके कपड़े बदल के आता है फिर वापस आता है उसी रस्ते पे चलता है और फिर देखता है केले का छिलका है अब आपकी दो चॉइसेस हैं या तो फिर से उसके ऊपर भरपाओं रखो और फिर से फिसलो या फिर या फिर उसको अवॉइड करके जो सही रास्ता है वहां से निकलो लेट अस सी मैं आपको एक, एक केस दे रहा हूं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनीज है गाइस एक्स लिमिटेड है और वाई लिमिटेड है दो कंपनीज है दोनों की ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जैसे रेंट डेप्रीजेशन इंश्योरेंस प्रीमियम ठीक है जी फिक्स सैलरीज फिक्स टेलीफोन बिल फिक्स इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो है एक्स लिमिटेड की है दस लाख वाई लिमिटेड की है एक हजार लाख वन थाउजेंड लैक्स नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज विच कंपनी हैज हायर ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क मैंने अभी अभी आपको बोला कि भाई आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट खर्च होती है एंड दिस रिजल्ट कितनी भी सेल है भाई ये फिक्स कॉस्ट तो हो ही रही है ये फिक्स कॉस्ट तो हो ही रही है तो अकॉर्डिंगली वॉट वी से इज वी से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिसन वेरी केयरफुली और सोच समझ के जवाब देना ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट एक्स लिमिटेड की दस लाख है वाई लिमिटेड की हजार लाख है विच कंपनी हैज हायर बिजनेस के ऑपरेटिंग रिस्क ऑप्शन नंबर वन कितने लोग कहते हैं एक्स लिमिटेड हैज हायर रिस्क हायर रिस्क एक्स लिमिटेड कोई भी नहीं है एक्स लिमिटेड के साथ गुड कितने लोग कहते हैं वाई लिमिटेड हैज हायर ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क हायर ऑपरेटिंग रिस्क या बिजनेस रिस्क कोई भी नहीं है गुड दिस इंफॉर्मेशन इज इन टू डिटरमाइन विच हैज ऑपरेटिंग मोर ऑपरेटिंग रिस्क ऑप्शन थ्री कितने लोग कह रहे हैं ऑप्शन थ्री

उसका बिफोर और आफ्टर देखो ऑलवेज एंड फॉर एवर बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज सी बिफोर एंड आफ्टर कभी भी किसी भी चीज का इंपैक्ट देखना है तो बिफोर एंड आफ्टर देखो तो आपको इंपैक्ट पड़ेगा मैंने आपको इंपैक्ट का बताया था यार एक मिनट हटाना सिर्फ मेरे को लाना मैंने आपको एक केस बोला था मैंने आपको कहा था भाई लड़की ब्यूटी पार्लर में घुसती है बिफोर शी एंटर्स इन टू ब्यूटी पार्लर एंड आफ्टर शी गेट्स आउट ऑफ देयर है ना जी तो उस केस में इंपैक्ट अगर देखना है तो वहां से देखा जा सकता है इसी तरीके से किसी को बिफोर एंड आफ्टर अगर आपको इंपैक्ट देखना है तो ये आप देख सकते हो लॉ यार दिस इज बिफोर आई स्टार्टेड जिमिंग एंड आई हैड एक एक के जो आप कार्टून देख रहे हो दिस इज मी आई हैड वंडर कि आप हर साल सोलवा बर्थडे क्यों मनाते हो तो सिक्सटीन ईयर्स एज द केस में भी, ये लुक एट डबल चीन कूल, कुल बोथ माई बेबीज आर टर देन देर मॉम भाई जीन्स हमारी है यार तो so, टॉलर है ठीक है टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑलमोस्ट आउट सा है मैं ये नहीं कहता कि भाई अगर बंदा एक पर्टिकुलर एंगल से देखेगा तो डबल चिन्ह देखेगा ही बट अदरवाइज देन देट इस और इस टाइम से अगर मैं अपने वेट की बात करू बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग आउट अभी भी आई वर्कआउट ओनली फॉर फिटनेस नो इंटरेस्ट इन बॉडी बिल्डिंग आप में से कोई कह सिक्स पैक बना लो डोले बना लो डोले शोले जितने चाहिए उतने बस पावर चाहिए अपने अंदर ताकत होनी चाहिए, चाहिए अपने बड़े क्लियर गोल्स है मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग करके किसी लड़की को इंप्रेस नहीं करना लड़के लोग बहुत सारे लोग बॉयजुष्ट oh yes. क्या कह रहे सर आजकल तो लड़के लड़कों को भी इंप्रेस करना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग करके देखो यार क्या मैं क्या बोलूं इनका जमाना ऐसा है क्या कह सकते हैं ठीक है ओके एनी हाउ सो ऑलवेज इफ यू हैव टू सी बिफोर एंड आफ्टर दैट इज से हम लोग क्या करेंगे इमेजिन करो इनकी सेल्स लेट्स एगन एग्जाम्पल इनकी सेल्स है ट्वेंटी फाइव लाख इनकी सेल्स है फाइव थाउजेंड लैक्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेट्स यहां वेरिएबल कॉस्ट है फोर्टीन लाख और यहां लेट से वेरिएबल कॉस्ट है वन थाउजेंड लैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन आया हमारा इलेवन लैक एंड फोर थाउजेंड लैक्स अब आप बात को जरा समझ लो कि ग्यारह लाख में से दस लाख निकल गया और सिर्फ एक लाख रह गया और चार हजार में से एक हजार निकला भी तीन हजार बचा हुआ है तो किसने चाहे इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट ज्यादा है बट इसका इंपैक्ट ऑन ऑफ फिक्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं बिफोर दिस कॉस्ट जो प्रॉफिट था उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन आफ्टर दिस फिक्स कॉस्ट जो प्रॉफिट है उसे हम लोग कहते हैं ईबीआईटी एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो गाइज हम लोग करते क्या है हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं भाई हट जा हमारी जरूरत नहीं है इसकी जरूरत है आजा। तो हम लोग क्या कहते हैं इन ऑर्डर टू मेजर ऑपरेटिंग रिस्क हम लोग डी ओ एल निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज अपने आप में होता क्या है हम लोग कंपेयर करते हैं रिलेट करते हैं प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेटिंगने का मतलब हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग ऑपरेटिंग रिस्क इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईवीआईटी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड

ज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन दट इज प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग दट इज प्रोफिट आफ्टर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी को याट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी वन अगेन मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट कैसे बना के दिखाई थी अभी सेल्स में माइनस किया एबल कॉस्ट तो आपका बच्चा कॉन्ट्रीब्यन में से माइनस किया फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपका जो बच्चा उसे कहते हैं बी आई टी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट केस में भी तो so, हमने क्या किया इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले वाले इस ऑपरेटिंग फिक्स से पहले वाले जो प्रॉफिट थे कॉन्ट्रीब्यूशन जो प्रॉफिट है उनको रिलेट किया और कंपेरिजन किया बिफोर ब्यूटी पार्लर आफ्टर ब्यूटी पार्लर बिफोर ज्वाइनिंग जिम एंड आफ्टर जिम बिफोर डाइटिंग फॉर थ्री मंथ्स एंड आफ्टर डाइटिंग फॉर थ्री मंथ्स बिफोर गेटिंग योर हेयर्स कट एंड आफ्टर गेटिंग द कट गेटिंग माई पॉइंट तो आपको किसी भी चीज का अगर इंपैक्ट देखना है

तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी मैंने जैसे एग्जांपल दिया था कि नॉट पेनिंग बट यही प्रेशर अगर एक चींटी पे डाला चींटी मर जाएगी बटरफ्लाई मर जाएगी ठीक है जी सो वॉट आई एम इज इट ऑल डिपेंड्स कि कितना उसका बिफोर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट लेवल है या कॉन्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट देखना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी को रिलेट करो और हम कहते हैं हायर द डीओएल जैसे यहां पर डीओएल जो है वो इलेवन टाइम्स है यहां वन पॉइंट थ्री थ्री है हम कहते हैं जिसका डीओएल ज्यादा है उसका ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क है इसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है इसका कम है तो हम कहते हैं इफ हायर द डीओएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क बट ऑब्वियसली बात है पढ़ रहे है. की पढ़ रहे है और की किराए के होंगे तो किराया जाएगा खरीदे होंगे तो डिप्रेशन इंश्योरेंस होगा कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट आपकी होगी होगी टेलीफोन कनेक्शन आज की डेट में कौन टेलीफोन कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन के बिना काम कर सकता है यार कौन बिजली कनेक्शन के बिना काम कर सकता है कोई भी कंपनी की बात कर रहा हूँ नॉट टॉकिंग अबाउट कोई सर जी एक ना मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ सर तो दोस्त हैं हाँ ये दोनों के दोनों हाँ का बचपन से एक ही सपना हाँ कि बड़े होकर अपनी गोलगप्पे की रेडी लगानी है वाह वाह इन्होंने दोनों दोस्तों ने क्या किया एक के चाचा जी की रेडी थी जो कि उन्होंने यूज नहीं कर रही तो उन्होंने कहा चाचा जी ये रेडी हम रख ले तो उन्होंने कहा ले लो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट में रेडी मिल गई सर इस फिक्स का कोई इन, कोई रेंट नहीं है कोई डेप्रीसी नहीं है अच्छा बढ़िया सर इन्हें शाम को अगर लाइट चाहिए होती है तो ये ऊपर से तारे जारी होती है उस पर टांका लगा देते हैं वाह वाह सर बिजली का बिल कोई नहीं है सर स्टाफ इनके पास कोई नहीं है खुद ही काम करते हैं खुद ही गोलगप्पे फुलाते हैं खुद ही उनमें फोड़ के उनके अंदर पानी भर के लड़कियों को खिलाते हैं लड़कियां ज्यादा प्रेफर करती हैं गोलगप्पे लड़के भी प्रेफर करते हैं ऐसा नहीं है बट स्टिल लड़का करें लड़कियां ज्यादा चटोरी होती हैं, वाह तुम बहुत जानते हो हालात देखो इनके अच्छा खैर मुद्दे की बात पे आ रहे थे हम तो अब सोचो यार ऐसे रेडी वालों की आप ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को देख लो सर इनका कोई रेंट नहीं है देखो कोई सैलरीज नहीं है बिजली का बिल नहीं है और सर टेलीफोन टेलीफोन जो है इसने अपने चाचा का ही ले रखा है कहता है, चाचा तेरे किस काम का सुबह और शाम सुबह से लेकर रात तक मेरे पास रहेगा रात को तू फोन ले जो तूने फोन पे अपना इंस्टा विंस्टा जो भी तूने देखना है चाचा फेसबुक वेसबुक रात को देखियो सर टेलीफोन का बिल भी नहीं है इनका अब यार तुम ऐसे लोग तो कोई ऐसा धंधा नहीं है आज की डेट में कि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ना हो तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कुछ भी होगी तो ऑपरेटिंग रिस्क होगा हम लोग कहते हैं आपका ऑपरेटिंग रिस्क जो है अनबल है ऑपरेटिंग रिस्क इज अनेबल व्हाई बिकॉज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट चाहे छोटी हो चाहे ज्यादा हो हर कंपनी में होगी जरूर Then इसी तरीके से लेट्स टॉक कोसेट्स को करना है। उनको अपने धंधे को फाइनेंस करना उन्हें अपने बिजनेस में जैसा भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस में भी उनके पास ऐसे फाइनेंस आता है जिसमें की फिक्स कॉस्ट होती है सो दे में रेज फंड या फाइनेंस फ्रॉम सच सोर्स सच एज डेट

तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अभी मैं डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट जैसे इंटरेस्ट ऑन डेट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट है अब भाई तुम्हारा कमाई कम हो या ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट तो जाना ही जाना है इमेजिन करो अब एक ए लिमिटेड है एक बी लिमिटेड है एक ए लिमिटेड है एक बी लिमिटेड है दोनों का इंटरेस्ट ऑन डेट लेट्स एग्जांपल इसका इंटरेस्ट है एक लाख रुपए इसका इंटरेस्ट है पचास लाख रुपए अब मुझे बताओ प्लीज टेल मी इसकी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है बी लिमिटेड की ए लिमिटेड की बहुत कम है एंड आई एम आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन विच कंपनी हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क ऑप्शन नंबर वन विच कंपनी हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क ऑप्शन नंबर वन ए लिमिटेड हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क बताओ कोई भी नहीं बी लिमिटेड हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क कोई भी नहीं वी कांट से विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस विच हैज मोर फाइनेंशियल रिस्क बताओ भाई ऑप्शन थ्री सुपर डुपर मेजोरिटी प्लीज एवरीबडी शुड ट्राई द आंसर्स एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट इन सफिशियंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमें इससे पहले वाले प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी और इसके बाद वाले प्रॉफिट दैट इज ईबीटी ये चाहिए अब अच्छा ईबीआईटी लेट से है 1.01 लाख तो ये 1 लाख निकला तो 0.01 लाख बच गया और यहां लेट्स सेकेंड एग्जाम्पल है फाइव थाउजेंड लैक्स उसमें से पचास लाख का कट्टा मारा तो रुपीज फोर नाइन फाइव जीरो लैख ठीक है जी तो ये ऐसा हो गया तो अगेन हम लोगों को अगर कहें तो इनऑर टू फाइनेंस इज अ कंपनी में बर्डन इन विद सम फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट सच एज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट प्रेफरेंस इवेंट इन ऑर्ड टू मेजर दी फाइनेंशियल रिस्क अगर आपको फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करना है इसका इंपैक्ट इसका बर्डन क्या है इसका इंपैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है तो वी कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ना व्हाट इज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल रिस्क हेयर वॉट वी डू वी सी दॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कौन से प्रॉफिट होते हैं ईबीआईटी एंड प्रॉफिट्स आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अभी प्रेफरेंस नहीं है तो आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स प्रॉफिट है ईबीडी प्रेफरेंस आएगा तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या होगी वो देखेंगे हम बाद में अभी नहीं तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इससे पहले वाले प्रॉफिट फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट या इंटरेस्ट से पहले वाले प्रॉफिट और इसके बाद वाले प्रॉफिट इनको हम लोग

0101. Zero zero one. So, obviously, this is very less. This is near to 1. So, this has lesser financial risk. So, what, we, what do we say? We say higher the DFL, higher the financial risk. Now, I am asking you a very important question operating risk. बिजनेस रिस्क दूसरा नंबर फाइनेंशियल रिस्क दोस्तों हेल्प मी आउट ओवर हियर, इस फाइनेंशियल रिस्क अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल सोच समझ के जवाब देना विदाउट लुकिंग हेयर और देअर हाउ मेनी ऑफ यू से दैट फाइनेंशियल रिस्क इज अनअवॉइडेबल गुड तीन लोग कह रहे हैं अनेबल चार लोग कह रहे हैं पांच छ सात आठ नौ अनअवॉडेबल दस गुड एक्सलेंट सबसे पहला रीजन ये एक भाई ने किया था चश्मे वाले भाई कौन थे आप आ जाओ भाई फुल स्किम लगा इसे ओके लेट अस आस्क योर फ्रेंड द क्वेश्चन हिज ओपिनियन लाना यार हमें लाना इधर आ जाओ हाँ जी माइक पे बताओ डू यू थिंक दैट फाइनेंशियल रिस्क इज अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल 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 है अनअवॉइडेबल है इसका मतलब क्या हुआ कि अवॉइड नहीं कर सकते इनको फाइनेंशियल हो रिस्क होगा ही होगा कूल बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू अब मैं, अरे कहा वापस आ ऐसे कैसे अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है सर जी ये क्या मतलब स्ट्रिप्टीज कर रहे हो अरे यार तुम कैसे से हो यार तुम्हारा ना दिमाग सारा चलता ही टेडा मेढा नाउ आई एम गोइंग टू सिंपली डिमोन्स्ट्रेट वेदर फाइनेंशियल रिस्क इज अवॉइडेबल और अन डरना नहीं है ठीक है इधर आ उल्टा लटकाऊंगा मैं तेरे को बोल उधार लेगा कि नहीं लेगा अपने पाव पर करना जरूरत होगी तो पक्का लूंगा जरूरत होगी तो अगर अगर इक्विटी ये देखो सर ये तो बढ़िया वाला सीन हो रहा है अब मैं आपसे एक सवाल पूछो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं मेरे दोस्त डू यू थिंक आपको कोई उल्टा लटका के कह सकता उधार ले नहीं कह सक, सकता नहीं कह सकता मतलब नहीं कह सकता अगर आपको इक्विटी से फाइनेंस अरेंज हो रहा हो एंड यू डोंट नीड लेट्स से आपके पास रिटेन अर्निंग हो रहा हो कोई उल्टा लटका के कहेगा कि भाई उधार लेना ही पड़ेगा तेरे को अनअवॉइडेबल है ले ऐसे कैसे ले लूंगा ऐसे कैसे तो अवॉइडेबल है या है अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल मतलब सोच ले कोई तुम्हें उल्टा लटका के कोई लड़की कह सकती है बी माय बॉयफ्रेंड ऐसे कैसे बोल ऐसे कैसे? मर्जी है मेरी सर। मर्जी है मेरी। <laughs> तो इज फाइनेंशियल रिस्क मर्जी ऑफ पर्सन और नॉट द फाइनेंशियल मैनेजर अवॉइडेबल है सर। अवॉइडेबल है। लेकिन भाई तुम्हें अगर धंधा करना है एयरलाइन अगर चलानी है एयरक्राफ्ट चाहिए कि नहीं चाहिए बिल्कुल चाहिए चाहिए तो या तो खरीदेगा तो डिप्रेशन और इंश्योरेंस प्रीमियम होगा किराए पे लेगा तो रेंट होगा तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो होगी होगी तो ऑपरेटिंग रिस्क इज अनबल क्योंकि ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो होगी होगी लेकिन फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल मैं नहीं लेता मेरी मर्जी अवॉइडेबल एंड अवॉइडेबल है अवॉइडेबल अवॉइडेबल है थैंक यू सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक आई विल टेक बैक I'll be back in my professional garb or clothing. I'll not be utar or uttar So come back. Thank you. So, my dear friends, the question is financial risk, it is avoidable. Why? Because if listen to me very carefully. कंपनी हैज अपरेटिंग रिस्क यह अनअवॉडेबल चीज है ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी का ज्यादा ऑपरेटिंग रिस्क हो तो पता फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं प्लीज आइदर डोंट टेक फाइनेंशियल रिस्क और कीप एज लो एज लो फाइनेंशियल रिस्क बिकॉज वो आपके हाथ में है ऑपरेटिंग रिस्क तो हो ही रहा है वो तो है ही है तो मेरी बात ध्यान से सुनना देर आर देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विल बी नंबर वन If a company has high operating risk, then it should have lower financial risk. If a company has lower operating risk, then it can have higher financial risk. Then it can have higher financial risk. And if a company has moderate operating risk,

बिजनेस रिस्क तो होगा ही होगा तो बिजनेस को मेजर करो डीओ से क्या कहते हो डीओल से बिजनेस अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा मतलब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आप बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़ते हो ये जीरो डेट कंपनी है पढ़ा है कोई भी अगर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो या अदरवाइज स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते हो जीरो डेट बहुत सारे एनालिस्ट आके बताते हैं जीरो डेट जीरो देट, जीरो डेट कंपनी वो इसको एज अ पॉजिटिव बताते हैं आई एम सो सॉरी टू से इट्स नॉट अ पॉजिटिव इट्स अ पॉजिटिव वेन द कंपनी हैज हाई ऑपरेटिंग रिस्क इट्स अ पॉजिटिव इट इज अ पॉजिटिव तो आपको उधार नहीं लो कम लो बेस्ट है बट अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क बहुत कम है और कोई बंदा कहता है जीरो डेट है रख के तमाचा दो ऐसे को भाई साहब हमारा ऑपरेटिंग रिस्क तो नेग्लीजिबल है अच्छा और हम, ना हम जीरो डेट में भी लीव करते हैं तो साइड होले तू तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा फाइनेंशियल रिस्क मैं आपको समझाना चाहूंगा समझना मेरी बात प्रैक्टिकली जनरली जो भी लोग धंधा कर रहे होते हैं ना वो लोग जितनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाते हैं जैसे अगर उन्होंने से, एक लाख रुपए लगाया तो क्या लगता है कोई कंपनी जो रिस्क ले रही है क्या लगता है इतना कैपिटल लाख लगा के कितना आपके हिसाब से कितना रिटर्न कितना ईबीआईटी कमाना चाहिए कुछ भी परसेंट बोल दो तो बीस परसेंट बीस परसेंट कह देता हूं बीस हजार लेकिन एक बात तो बताओ अगर ये इसमें से पचास हजार रुपए डेट ले आपको लगता है पचास हजार डेट पे बीस परसेंट इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट रेट कितना होगा पचास हजार अगर ये इक्विटी लें और डेट लें तो इसपे इंटरेस्ट कितना होगा प्रैक्टिकली सोचो कोई कंपनी है आठ परसेंट नौ परसेंट दस परसेंट ले लो यारेन परसेंट तो कमा कितना रहे हो बीस दे कितना रहे हो दस इससे भी हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी और अर्निंग पर शेयर मैग्निफाई होती है क्योंकि आप कमा ज्यादा रहे हो यू आर जनरेटिंग हायर रिटर्न इसी चीज को हम लोग एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये भी सिखाऊंगा लिवरेज के बिल्कुल एंड एंड में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी विल डिस्कस डेट को यूज करके प्रेफरेंस शेयर्स को यूज करके कैसे हम लोग कैसे हम लोग इक्विटी शोल्डर्स के रिटर्न को मैग्निफाई करा सकते हैं ऐसे करा सकते हैं अगर किसी कंपनी में कम बिजनेस तो लेकिन ले, सारी चीजें लिखाऊंगा फिर उनका प्रैक्टिकल करवाऊंगा दिस इज कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल अगर हम उधार लेंगे तो हमारे लिए फायदा है यही अगर ये आठ परसेंट कमा रहे होंगे आठ हजार कमा रहे होंगे तो अनफेवरेबल है कि भाई धंधे में लगाएंगे आठ परसेंट कमाएंगे और इंटरेस्ट दस परसेंट देंगे तो ये तो अनफेवरेबल है तो we'll तो डिस्कस ऑल एक्चुअली क्या होता है अगर किसी भी बंदे से पूछा जाए कि आपको रिस्क मैनेज करना है फाइनेंस मैनेजर तो हमारा अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आप कहोगे भाई फाइनेंशियल रिस्क कम ले और ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा ले सकते हो और मॉडरेट ऑपरेटिंग रिस्क के साथ मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं यही नहीं ये वैसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी जाती है फाइनेंस मैनेजर्स प्रेफर दिस किसी कंपनी में कम बिजनेस को बट मैं एक बात बता दूं बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी हो गए जीरो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के देखते हो आप देखना बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के देखते हो

लेकिन लेकिन विजय माल्या ई वॉन्टेड टू ग्रो टू फास्ट टू सून उन्होंने अपने शेयर्स भी प्लेज किए पर्सनल गारंटी दी और उधार लिया सुनना मेरी बात उन्होंने एयरलाइन अक्वायर की उन्होंने क्या किया एयरलाइन अक्वायर की और एयरलाइन अक्वायर करके एयरलाइन में आप खुद सोचो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा होता है कि नहीं होता है आपको बोलूंगा हेलो कोई भी एयरलाइन आज की डेट में इसीलिए लॉ है इसके बाद से उस लेसन के बाद से तब भी वैसे एक लॉ था इतने से पहले नहीं आपको अगर कोई भी बंदे कोई भी कंपनी अगर एयरलाइन का बिजनेस कर रही है पहले उन्हें डोमेस्टिक में काम करना पड़ेगा और फिर वो इंटरनेशनल जाएंगे पहले यहां तो अपने आप को सेट कर लो लेकिन भाई साहब ही वो सो मच इन इट कि भाई मेरे को तो जल्दी से जल्दी एक्सपैंड करना है एंड ही मेड जस्ट टू ग्रो वेरी फास्ट वेरी सुन और ऑपरेटिंग रिस्क ऑलरेडी बहुत ज्यादा था और उसके साथ में उन्होंने फाइनेंशियल रिस्क भी डेट भी बहुत ज्यादा ले लिया ऑपरेटिंग रिस्क हायर और फाइनेंशियल रिस्क हायर इज इट अ गुड स्ट्रेटजी इट्स स्ट्रेटजी एंड दैट इज स्ट्रेटजी दैट फॉल डाउन फॉल ऑफ विजय माल्या एंड हिज एम्पायर अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है कोई भी समझदार इंसान ये बोलेगा फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा मतलब खैर यही नहीं सिर्फ यही नहीं मैं बोल रहा हूं इसके अलावा उनकी स्ट्रैटेजी पहले वो कह रहे थे कि मैं किंग फिशर को एक प्रीमियम एयरलाइन बनाऊंगा फिर उन्होंने जो जेट एयरवेज कहानी आपने अगर सुनी हो देखी हो पढ़ी हो उन्होंने जो एक्विजिशन किया एक्विजिशन करने के बाद उन्होंने कहा इसको जेट लाइट जो वो था किंग फिशर रेड किंग फिशर रेड उन्होंने किंग फिशर रेड नाम दिया और ब्रांडिंग दोनों की एक जैसे किंग फिशर की पहली ब्रांडिंग रेड थी इसको किंग फिशर रेड दे दिया अबन ने कंफ्यूज की भाई हम प्रीमियम एयरलाइन में जा रहे हैं या लो कॉस्ट एयरलाइन में लो कॉस्ट एयरलाइन में टीवी नहीं है बट प्लेन वैसा ही दिख रहा है और प्रीमियम में टीवी है हरे बंदे के सामने एक घंटे की फ्लाइट के लिए भी बंदे कंफ्यूज और फिर इसकी प्राइसिंग भी बिगड़ गई समझ में नहीं आ रहा फिर उनमें भी कई सारे एयरक्राफ्ट्स में टीवी भी है भाई तुम कर क्या रहे हो वॉट यू वॉन्ट एडवर्टाइजमेंट भाई साहब एडवर्टाजमेंट ऐसे कहते हैं मैं आई हैंड पिक आई पर्सनली पिक ईच एंड एवरी स्टाफ एयर होस्टेस हुई टू सर्व यू मैंने ये देखी है भाई मैं उसी के बाद गया था किंग फिशर में तो तो मैं गया और पैक्ट है उसकी पसंद अच्छी है <coughs> तुम तो घर पे झगड़ सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है अब हम देखो हम हम भेजते हैं इसको दुष्ट ना ना मजाक छोड़ो सिंसियर नोट में नहीं नहीं मैं मेरा इट वाज जस्ट फॉर फन ऐसे ही मजाक में कह दिया जानू तुम्हें पता है हमारी फर्स्ट किंग फिशर की जो बुकिंग थी वो तुमने कराई थी मैंने नहीं कराई थी नहीं नहीं वो तुमने ही कराई थी मैंने नहीं कराई थी तो अगर ये तुम्हारे पास इससे पहले वाला पोर्शन आता है तो ये बाद वाला पोर्शन मैं इसीलिए बोल रहा हूं तुमने ही बुकिंग कराई थी याद करो मैंने नहीं देखा था कि कौन क्या है वो तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट में बाद में वहीं पे जो टीवी था सामने उसमें दिखा था कि आके बोल रहा है पर्सनली हैंड पिक ईच एंड एवरी स्टाफ यू वर वन हु टुक मी अब अब देखो भेजो तुम घर में आग लग अच्छा ये पूरा का पूरा यूट्यूब पे है ऐसे <laughs> कैसे मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ अच्छा चलो मजाक छोड़ो सिंसियर नोट पे आते हैं तो आओ जरा इसी चीज को थोड़ा सा कंक्लूजन को लिख लें आओ जरा लिखो लिखो लिखो, लिखो. ऑपरेटिंग रिस्क ऑपरेटिंग रिस्क वर्सेस फाइनेंशियल रिस्क बेसिस पहला नंबर इज ऑपरेटिंग रिस्क अवॉइडेबल यस और नो नो एंड फाइनेंशियल रिस्क यस yes, भाई उधार लेना है मर, नहीं लेना है वो आपकी मर्जी है धंधा तो आप कर रहे हो तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट तो हो रही है लेकिन फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आप अपनी मर्जी से मानते हो यस और नो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो अपनी मर्जी से मानते हैं तो ये अवॉइडेबल है फाइनेंशियल रिस्क वो अन है सेकेंड नंबर मेजरमेंट किसकी है? हेल्प से करते हैं डीओ यहां डीएफएल थर्ड हाई रिस्क कब होता है हायर द ड्यूएल हायर द ऑपरेटिंग रिस्क और यहां हायर द डीएफएल हाइअर दिस्क ऑब्वियसली आप लोग इनकी लाइन्स खींच सकते हो यू कैन ड्रॉ द लाइन्स राइट वट एवर अब सुनो मेरी बात अब सिनैरियो बड़ा सिंपल है अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा मतलब ये गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये होती है तो मैं इसीलिए नेक्स्ट पेज ले रहा हूं ले लू नेक्स्ट पेज लिखो मैनेजमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल रिस्क ऑफ अ कंपनी या फॉर्म लो जी मैनेजमेंट ऑफ ओवरऑल रिस्क तो लिखो इन ऑर्डर टू मैनेज द ओवरऑल स्लैश टोटल स्लैश कंबाइंड रिस्क ओवरऑल रिस्क कंबाइंड रिस्क को मेजर करने वो जो मैनेज करने के लिए है of a company slash firm comma it may follow any of the following strategies कोई भी strategy follow कर सकते हैं इनमें से strategies Pela. First strategy can be higher operating risk. That is high DOL with below low financial risk. क्योंकि ये अवइडेबल है आप फाइनेंशियल रिस्क कम ले लो मींस दैट इज लो डी एफ एल सेकेंड नंबर नाउ दिस स्ट्रेटजी इज गुड दिस स्ट्रेटजी इज गुड एंड लो ऑपरेटिंग रिस्क मीन्स अगर आपका डीओएल कम है तो उसके साथ विद हाई फाइनेंशियल रिस्क दैट इज हाई डीएफएल प्रोवाइडेड फाइनेंशियल लीवरेज पोजिशन इज फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज पोजिशन इज फेवरेबल कहने का मतलब आपको उधार लेने से फायदा होगा देना दस परसेंट है कमाना पच्चीस परसेंट बीस परसेंट है तो ये फेवरेबल कहलाता है इसके बारे में मैं फेवरेबल अनफेवरेबल के बारे में, बारे में बाद में लिखवाऊंगा टॉपिक बाय द नेम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बाद में लिखवाऊंगा अभी नहीं दिस इज कंसिडर द बेस्ट स्ट्रेटजी या आप कह सकते हो बेटर स्ट्रेटजी वो गुड है कि भाई ऑपरेटिंग रिस्क अगर ज्यादा है तो फाइनेंशियल रिस्क कम लो या ना लो ऑपरेटिंग रिस्क कम है और फेवरेबल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिस्क ले ले आपकी रिटर्न मैग्निफाई करो इक्विटी शोल्डर्स के बढ़िया है और थर्ड स्ट्रेटजी कैन बी मॉडरेट ऑपरेटिंग रिस्क बोले तो That is moderate DOL with moderate financial risk. That is moderate DFL. This is okay strategy. This is okay. Sir, financial risk और growth का क्या रिलेशन है This we'll study यही वाली वाली strategy को ना टॉपिक ऑल ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ग्रोथ दिखाएंगे आपको क्या मैग्निफिशियंट रिटर्न मैग्निफाई होगी इक्विटी शोल्डर्स की ईपीएस और आर ओई रिटर्न ऑन इक्विटी की अर्निंग देखोगे क्या मस्त बढ़ती है अगर आपका लो ऑपरेटिंग रिस्क के साथ लो क्या अमेजिंग शेयर होल्डर्स की रिटर्न मैग्निफाई होती है विल बी स्टडिंग दिस लेटर ऑन नॉट राइट नाउ बट एक जस्ट फॉर नॉलेज एक चीज और बता दूं अगर हाई डीओ है विद हाई डी एफ एल कर दिया जाए दिस इज वर्स्ट स्ट्रेटजी। ये चीज की थी किसने राजा मछुआरा ने कि भाई ऑपरेटिंग रिस्क भी ज्यादा है और तुम फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा पाल रहे हो बेवकूफ इसीलिए राजा मछुआरा का जहाज जो है डूब गया अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज ले लू नाउ कम्स द लास्ट एरिया दैट इज टू से ओवरऑल रिस्क या कंबाइंड रिस्क की बात आती है हटाने लगा इसको डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इसको हटा रहा हूं ये जा चुका है यहां से गाइस अब पूरी इनकम स्टेटमेंट देखो ध्यान से सुनना सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज कॉल्ड ये कौन सी फिक्स कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है आप सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखते हो तो भी हम उसको इंटरमीट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो अलग दिखा ही दिखाई जाती है दिस इज कॉल्ड ईबीआईटी या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनओपी भी कह सकते हो आप इसे इसमें से आप लेस कर दो इंटरेस्ट अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यही बोला आपको कि फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में सिर्फ डेट ही है इंटरेस्ट ही है प्रेफरेंस नहीं है अभी तो ईबीटी तो अगर आपने डीओएल निकालना है तो इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले वाले प्रॉफिट और इसके बाद वाले प्रॉफिट तो डीओएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी Then, आपको फाइनेंशियल फिक्स का इंपैक्ट देखना है तो लीस्ट अगर, तो तो अगर आपको ओवरऑल रिस्क देखना है तो ओवरऑल रिस्क में आपको क्या करना पड़ेगा इन दोनों से पहले वाले प्रॉफिट और इन दोनों के बाद वाले प्रॉफिट ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले वाले ऑलरेडी ये तो <coughs> <excuse me, DCL. coughs> तो पढ़ चुके थे इट इज अ टूल ऑफ मेजरिंग फाइनेंशियल बिटवीन ईबीआईटी एंड प्रॉफिट्स आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अभी कंपनी में सिर्फ डेट है प्रेफरेंस नहीं है तो उस केस में ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर देते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ये मैंने आपको ये भी बता दिया था हायर द डीएफएल रिस्क इफ इज इज नो फाइनेंशियल रिस्क ठीक है जी <coughs> अगर ऑपरेटिंग रिस्क हाई है तो फर्म को जो है लेसर फाइनेंशियल रिस्क लेना चाहिए ये सेंसिबल डिसीजन है आगे फिर बारी आती है डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज अगर मैं आपको बोलूं यहीं पे टी सी एल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT. Contribution upon EBT. That is say, अगर operating risk से हम operating leverage देख रहे हैं, financial risk को DFL से देख रहे हैं, DOL से DOL से हम लोग operating risk को measure कर रहे हैं, DFL से financial risk को measure कर रहे हैं, तो total या overall या सारी fixed cost, operating fixed cost और combined fixed cost combined together का अगर impact देखना है, तो operating fixed cost और financial fixed cost से पहले वाले profit that is contribution और operating और financial fixed cost के बाद वाले profit अभी सिर्फ interest है, प्रेफरेंस नहीं है तो ईबीटी इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं तो दिस इज वॉट वी आर सही हम लोग ये कह रहे हैं डीसीएल इज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीटी या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सुनो मेरी बात आप ऐसे कह सकते हो डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कॉन्ट्रीब्यूशन इज प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कंबाइंड टूगेदर और इनके बाद वाला इज ई अभी नो प्रेफरेंस कैपिटल ये मान के चल रहे हैं तो इन दिस केस डीसीएल आप ऐसे भी कह सकते हो डी ओ एल इन टू डी एफ एल इनका कंबाइंड इंपैक्ट कैसे दिखेगा आप मैथमेटिकली अगर देखोगे तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ए एंड दिस इज वॉट ए अपॉन ईबीटी मैथमेटिकली अगर आप इनको देखोगे तो ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा

इक्विटी शेयर कैपिटल है डेट है प्रेफरेंस नहीं है तो उस केस में हम कॉन्ट्रीब्यूशन करके ऐसे निकाल सकते हैं किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं नहीं है तो फाइनली मैं आप लोगों को बता रहा हूं आप लोग आपके बुक खोल लोगे इफ यू गाइस हैव योर बुक यू शुड कैरी योर बुक इन एवरी क्लास नंबर वन नंबर टू आपको क्या करना है नंबर टू आपको <clears throat> आज तो मैं मार्क्स नहीं बता पा रहा मैं अपनी बुक लाया नहीं हूं वो वाली तो आई टेल यू मार्क्स फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है अभी नहीं बता पाऊंगा टाइज वंस अगेन शुरुआत से आप लोग अभी क्वेश्चन नंबर वन कर रहे हो अनसोल्व सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम आप लोग मेरी मदद के बिना ये कर सकते हो यू कैन डील विद इट योर ठीक है जी बहुत ही आसान सवाल है हम लोग अभी आज करने का इरादा रखते हैं एक क्वेश्चन नंबर वन अभी कर लेते हैं ब्रेक से पहले फिर ब्रेक के बाद अपन लोग टू और थ्री की कोशिश करेंगे आज दो और तीन तो कम से कम कर लें ठीक है जी टू थ्री समय होगा तो चार भी कर लेंगे लेट सी आप लोग पढ़ रहे हो क्वेश्चन नंबर वन हम इंतजार कर रहा हूं लीवरेजेस ये रहा क्वेश्चन नंबर वन पढ़ो भाई रीडो रीडो सो so, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है और भले ज़माने में ये सी ए फाइनल में आके जा चुका है पहले किसी टाइम पे सी ए फाइनल में होता था लीवरेजेस मतलब ये पोर्शन जो है फाइनल में होता था शफलिंग होती रहती है टाइम टू टाइम आपके दोस्त कह रहे हैं क्या आप कल सर पहले यू ही सी बना देते थे ऐसे ऐसे सवाल देते थे बीस मार्क की कंपल्सरी पांच पांच आज तो पेपर टू कल पेपर थ्री परसों नो no हॉलीडेज पंद्रह मिनट पढ़ने को नहीं मिलते थे तीन घंटे में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है ठीक है जी और बीस बीस मार्क के भी सवाल आते थे तो बीच में ऐसे पांच दस पंद्रह मार्क्स के बीस मार्क्स के बेसिक क्वेश्चन दे देते कि चल यार इतना तो कर ले बाकी फिर अगर आता है तेरे को तो करके दिखा पहले ऐसे बनाते थे सीए जो आप सुनते हो ना पहले सीए का रिजल्ट कम होता था आठ नौ परसेंट आया ट्वेंट टू थाउजेंड ऑनवर्ड्स तो बात ही मत करो पंद्रह पंद्रह बीस बीस परसेंट थर्टी थर्टी परसेंट चलो फाइनली खेल खेली कर रहे हैं उम्मीद है आप लोग इसको पढ़ चुके हो ओके स्टार्टिंग नाउ लाओ यार मेरे को भी ले आओ सो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहली चीज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टू फॉर्म पी लिमिटेड ऑन क्यू लिमिटेड दो कंपनीज का आपको डेटा दिया हुआ है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कॉस्ट माइनस करके ईबीआईटी दिया हुआ है और ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करके पीबीटी या बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवरेज फॉर बोथ द फर्म्स दोनों कंपनीज का बताना है और कमेंट ऑन रिलेटिव रिस्क पोजीशन तो लीवरेज तो मक्खन है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बताओ भाई दिस पर कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी टू पॉइंट थ्री थ्री बार आई होप एवरीबडी अग्रीज मान लो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बारी आती है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी डीएफएल 1.5 और 300 200, और 300 डिवाइड या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी कर दो मर्जी आपकी किसी भी एक तरीके से कर दो तो ये थ्री और थ्री पॉइंट फाइव आ जाएगा या तो थ्री हंड्रेड अपॉन हंड्रेड या टू इंटू वन पॉइंट फाइव या फिर सेवन हंड्रेड डिवाइड बाई टू हंड्रेड थ्री पॉइंट फाइव या टू पॉइंट थ्री थ्री बार इंटू वन पॉइंट फाइव इज थ्री पॉइंट फाइव योर कॉल कैसे प्रेजेंटेशन देनी है इज योर कॉल तो इसके लिए तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर आपको कमेंट भी देना है कमेंट ऑन देयर रिलेटिव रिस्क पोजिशन कमेंट मैं सुनूंगा लीवरेजेस मेरे से पहले भी कर सकते हो आप मेरी प्रेजेंटेशन देख लेना बस मैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर रहा हूं और कुछ नहीं कंपटीशन ऑफ लीवरेजेस ओके okay. <coughs> दो कंपनी से दोनों का एक एक, एक कॉलम बना देते हैं पर्टिकुलर्स तो अलग है ही है पर्टिकुलर्स पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड चलो गाइस डोल अरे डोल 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 कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. So, my dear friends, contribution is three hundred lakhs and EBIT is one fifty lakh. So, this is equal to two. And then comes seven hundred lakhs divided by three hundred lakhs. This is equal to 2.33 bar. Then comes DFL. Is equal to EBIT upon EBT. Which is rupees 150 lakh upon 100 lakh. That, of course, is 1.5. 300 lakhs. Upon 200 lakhs is equal to again 1.5. And last but not the least is DCL is equal to. Ya to you DOL into DFL. That is 2 into 1.5 is equal to 3. And here 2.33 bar into 1.5 is equal to 3.5. या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डी सी एल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी मर्जी आपकी प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट सो कॉन्ट्रीब्यूशन इज रुपीज थ्री हंड्रेड लैक्स ईबीटी इज रुपीज हंड्रेड लैक्स विच कम्स टू थ्री And then 700 lakhs divided by 200 lakhs, of course, is equal to 3.5. Now, who is commenting? Raise your hand. Let's listen to the comment. Dehko, comment is everybody's own language. बट आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के फिर कमेंट देना है कि वो जो मांग रहा है वही देना है यस माय डियर फिर हम लोग ने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि जो पी लिमिटेड है उसका डीओएल इज लेस एज कंपेयर टू क्यू लिमिटेड हां इसका ये मतलब है कि जो हमारा क्यू uh, लिमिटेड है उसका ऑपरेटिंग रिस्क हायर है हां फर्दर मोर इससे ये एम्प्लाई होता है

कमेंट ऑन द रिलेटिव रिश्तेदार रिस्क पोजिशन कंपेरिजन वाला रिस्क पोजिशन कर दो कंपेरिटिव रिस्क पोजिशन तो आपने क्या कहना है भाई इसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है इसके मुकाबले फाइनेंशियल रिस्क दोनों का बराबर है तो क्योंकि इसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा इसीलिए इसका ओवरऑल रिस्क ज्यादा थैंक यू इसी को आप एक या दो सेंटेंस में लिख सकते हो आओ लिखें इसी बात को कमेंट कमेंट सबकी अपनी लैंग्वेज होगी बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और मार्क्स के हिसाब से दोनों चीजें हमें देखनी है रिलेटिव रिस्क पोजिशन मीन्स कंपेरिटिव रिस्पोजिशन तो कमेंट आपने ऐसे कहना है दो दो बोथ फर्म्स आर एक्सपोज्ड टू द सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क दोनों का सेम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है कमा हाउ एवर सिंस दोनों का डीएफएल तो सेम ही है हाउ एवर सेंस ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ क्यू लिमिटेड इज हायर

ऑफ पी लिमिटेड क्योंकि इसका देखो दोनों का फाइनेंशियल रिस्क तो बराबर ही है डीएफएल बराबर है लेकिन ऑपरेटिंग रिस्क क्यू लिमिटेड का ज्यादा होने की वजह से उसका ओवरऑल रिस्क भी ज्यादा है थैंक यू खत्म हो गई बात बड़ा ही बेसिक सा सवाल था किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए नहीं तो सेवन मिनट्स का ब्रेक ज्यादा मत ले मैं सेवन मिलते हैं सेवन मिनट्स में सी यू इन सेवन मिनट्स आई होप यू आर फाइंडिंग दिस चैप्टर इज एंड इंटरेस्टिंग यस गुड एग्जाम में ये आता है हंड्रेड परसेंट अटेंडेंस है और बस अब इन्हीं चीजों को हमने आज की क्लास और कल की क्लास में यही लीवरेजेस निकालनी है और रिस्ट पोजिशन में कमेंट किसी किसी में करना है आज और कल में इससे ज्यादा कुछ नहीं है बस क्वेश्चन किस फॉर्मेट में होंगे वो देखेंगे इसमें इनकम स्टेटमेंट दी हुई है किसी में इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी एन सो वन एन सो फोर देखेंगे हेलो गाइस हेलो 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 शांत हो जाओ जी तो आपके काफी सारे दोस्तों ने मुझे जवाब दिखाए जो कि बहुत ही बढ़िया थे एंड बस प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली सब के अलग-अलग हैं बट आंसर्स सब के सही हैं सो लेट्स सी लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 टू 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 डारा जो लोग भी ये कर चुके हैं खाली मत बैठो आप सॉल्वड क्वेश्चन शुरू कर दो आज सॉल्वड क्वेश्चंस 1 से लेकर एट तक कोई भी कर सकते हो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चालू कर दो जो लोग भी ये दो क्वेश्चंस कर चुके हैं क्योंकि प्रॉब्ली दो या तीन सवाल से ज्यादा हम आज और कर नहीं पाएंगे ठीक है जी टू टू थ्री मोर क्वेश्चन लाओ जी ओके दिव्यांश बाद में कर लेना अभी तुम्हारे पास यही चीज फिर से भी अवेलेबल है एक व्यू बाद में कर लेना अभी आगे बढ़ेंगे नाउ गाइस लेट्स डील विथ क्वेश्चन नंबर टू नाउ उम्मीद है आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो वेट करता हूं फ्यू मोमेंट्स पढ़ लो पढ़ लो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये मार्क्स मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है बट पता नहीं एट टू टेन मार्क्स तो होगा एंड लेट यू नो मार्क्स इन द नेक्स्ट क्लास सो so, शुरू करने लगा हूं लगाइट चलो यार लाओ यार मेरे को भी ले आओ वेरी नाइस सो गाइज देखो वो क्या कह रहा है एक्स वाई जी एंड कंपनी ओके एक्स वाई सी एंड कंपनी हैज थ्री फाइनेंशियल प्लान्स उसने तीन फाइनेंशियल प्लान्स दिए हुए देखो आपको तीन कैपिटल स्ट्रक्चर्स दिए हुए इक्विटी और ट्वेल्व परसेंट डेट पांच हजार पांच हजार दस हजार ऐसे अरेंज कर सकते हो दस हजार इक्विटी और पांच हजार बारह परसेंट डेट या फिर सेवेंटी फाइव हंड्रेड का इक्विटी और ट्वेंटी का बारह परसेंट डेट या फिर ट्वेंटी का इक्विटी और सेवेंटी फाइव हंड्रेड का बारह परसेंट डेट आगे बढ़ते हैं तो ये हमें तीन कैपिटल स्ट्रक्चर दिए हुए तीन फाइनेंसिंग प्लान दिए हमें और वो कह रहा है प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री के नाम से आप देख भी सकते हो दिस इज प्लान वन प्लान टू प्लान थ्री आगे बढ़ते हैं

सेलिंग so, प्राइस पर यूनिट इज 15 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10 तो अगर मैं पूछूं कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट कितना हुआ रुपीज फाइव एक यूनिट का कॉन्ट्रीब्यूशन पांच तो आप अकॉर्डिंगली चार सौ यूनिट पर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना निकाल लोगे चार हजार दिस विल बी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन यस ये कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चार हजार के कॉन्ट्रीब्यूशन में तीन सिटुएशन दे रखी है फिक्स कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट बोलिए या तो 1000 होगी या 2000 होगी या 3000 होगी तो सिचुएशन ए सिचुएशन बी सिचुएशन सी आप फिगर्स इन थाउजेंड्स करना चाहें तो थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं मर्जी आपकी प्रेजेंटेशन इज योर डिस्क्रेशन कैसे करना है पूरा लिखना है तो पूरा लिखें जैसे मर्जी करें इस 4000 में से 1000 पहले में 2000 दूसरे में और 3000 तीसरे में आपने माइनस करने हैं और ये आपका आ जाएगा थ्री थाउजेंड 3000, 2000 एंड डीएल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी दट इज फोर थाउजेंड बाई थ्री थाउजेंड वन पॉइंट थ्री थ्री बार फोर थाउजेंड बाई टू थाउजेंड इज टू एंड फोर थाउजेंड बाई वन थाउजेंड इज 4. ये तीन डीएल निकालेंगे और फिर इन तीनों ईबीआईटी में हजार EBIT हो तो तीन सिचुएशन हो सकती है इंटरेस्ट की इंटरेस्ट देखो बारह परसेंट होगा इसका तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू तो या तो पांच हजार का बारह परसेंट छ सौ या पच्चीस सौ का बारह परसेंट तीन सौ या सात हजार पांच सौ का बारह परसेंट नौ सौ तो आप क्या कर सकते हो ईबीआईटी ईबीआईटी में ये तीनों इंटरेस्ट माइनस करोगे इस ईबीआईटी में ये तीनों इंटरेस्ट माइनस करोगे फिर CBIT में तीनों इंटरेस्ट माइनस करोगे फिर सीबीआई में ये तीनों इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपकी डी निकल एल निकलाएंगी नाइन और फिर डीओ एल इंटू डी एफ एल करके आप डीसीएलोगे उसने बोला है और लोएस्ट डीसीएल बताना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आपको बताना है हाइएस्ट और लोएस्ट वो देख लेंगे पहले तो अभी पहली स्टेटमेंट बनाते हैं डीओएल की दूसरी स्टेटमेंट बनाएंगे डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो उसने पूछा है एंड डीसीएल तो उसने हमसे कहा है कि भाई कैलकुलेट द लीवरेजेस कौन कौन सी लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज तो तीन निकलेंगी डीएफएल और डीसीएल नौ निकलेंगी आइए लिख के करेंगे इस सवाल कंप्यूटेशन ऑफ डीओएल सो माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ डीओएल इज वेरी सिंपल आपने ये तीन कॉलम्स बना देने इनकी हर एक सिचुएशन के सिचुएशन ए बी सी ये सिचुएशन सी सिचुएशन बी सिचुएशन ए चलो पर्टिकुलर्स सिचुएशन ए सिचुएशन बी सिचुएशन सी अब इसमें सबसे पहले आप और हम सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे दिखा सकते हैं आप ऐसे कह सकते हैं भाई ये है हमारी 800 यूनिट्स सेल कर रहे हैं इंटू पंद्रह रुपए का सेलिंग प्राइस है और वेरिएबल कॉस्ट दस रुपए है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पांच रुपए हुआ तो पांच रुपए इंटू आठ सौ इज इकल टू चार हजार तो तीनों सिचुएशंस में कंट्रीब्यूशन इस चार हजार इस चार हजार में से आपने लेस करना है फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज सिचुएशन वन थाउजेंड दिया हुआ है सिचुएशन बी में टू थाउजेंड दिया हुआ है सिचुएशन सी में थ्री थाउजेंड दिया हुआ है इकट्ठा के जो आपका आएगा इज ई बी आई टी थ्री थाउजेंड टू थाउजेंड एंड वन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली तो ये आपका कैलकुलेट करने के बाद आपने निकालना है डी ओ एल सो माई डियर फ्रेंड्स डी ओ एल विल बी इक्वल टू अपॉन EBIT ये थोड़े ज्यादा मार्क्स का है जहां तक मुझे याद है तो मैं इसलिए पूरी वर्किंग्स दिखा रहा हूं कम मार्क्स का होगा तो मैं सिर्फ आंसर लिख दूंगा मैं फिर से बोल रहा हूं देखो मार्क्स के हिसाब से हमें थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन में चेंज करना होता है ज्यादा मार्क्स ज्यादा वर्किंग्स दिखा देंगे यहां पर जैसे यहां मैं दिखा देता हूं फोर थाउजेंड बाई थ्री थाउजेंड अगर ये कम मार्क्स का होगा तो मैं सीधा लिख दूंगा बार दूसरा नंबर ज्यादा मार्क्स है तो चल भाई ये भी लिख दिया नहीं तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी लिखा तो है टू हो गया और सिमिलरली फोर थाउजेंड बाय थाउजेंड दिस कम्स टू फोर किसी को कोई डाउट है डीओएल में तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी नहीं है तो अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट कंप्यूटेशन ऑफ डी एफ एल एंड DCL की कंप्यूटेशन ऑफ डी एफ एल एंड DCL सो माई डियर फ्रेंड्स एक दो थोड़ा सा छोटा कर दो दो तीन एक दो तीन एक दो तीन एयर वी गो तो सबसे पहले आपने क्या करना है माइडिया फ्रेंड्स ऐसे लिखना है आपने पर्टिकुलर्स ब्लेस यू Situation A, Situation B, Situation C, Plan one two, three, Plan one, Plan two, Plan three, again, Plan one two, three. लैन वन लैन टू लैन थ्री लैन वन लैन टू लैन थ्री एक दो तीन चार एक्सक्यूज मी, पांच सात, आठ और ये नौ चलो जी अब सबसे पहले आपने क्या करना है आपने लिखना है ईबीआईटी। e देखो सिचुएशन ए का ईबीआईटी e हमने ऊपर कितना लिखा था चार तीन हजार थ्री थाउजेंड तीन बार लिख दिया हमने सिचुएशन बी का ईबीआईटी कितना लिखा था 2000, 2000 थ्री टाइम्स लिख दिया सिचुएशन सी का ईबीआईटी कितना लिखा था 1000, 1000 थ्री टाइम्स लिख दिया बस अब आपने क्या करना है इसमें से लेस कर देना है इंटरेस्ट ऑन 12% परसेंट रेट तो 12% परसेंट ऑफ 5000 थाउजेंड एज सिक्स 12% परसेंट ऑफ 2500 फाइव 300, 12% थ्री हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट ऑफ सेवेंटी फाइव हंड्रेड इज नाइन हंड्रेड तो 600, 300 थ्री 900, और सिमिलरली <coughs> ये कट्टा मार के जो आएगा उसे कहते हैं EBT. ईबीटी को पीबीटी को मर्जी आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स सो दिस इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ट्वेंटी हंड्रेड सेवनटीन हंड्रेड इलेवन हंड्रेड फोर हंड्रेड सेवन हंड्रेड एंड वन हंड्रेड अब ज्यादा मार्क्स का इसीलिए लिख रहा हूं <coughs> नहीं तो DFL आप सीधा यहाँ पे लिख के फिगर्स भी लिख सकते हो ई बी आई टी ई बी टी तो थ्री थाउजेंड बाई ट्वेंटी फोर हंड्रेड आंसर आप बताओगे थ्री थाउजेंड बाय ट्वेंटी सेवन हंड्रेड आंसर आप बताओगे ट्वेंटी वन हंड्रेड टू थाउजेंड बाई फोर्टीन हंड्रेड

बताओ बताओ इस इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट वन वन बार वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन प्रैक्शनल भी लिख दो आगे 1.42857 ये बताओ वन पॉइंट ये तो 1.818181 बार आ गया ये 2.5 आ गया ये कितना है 1.42857 और ये तो 10 है फाइनली आप कह सकते हो दैट डी सी एल इज इक्वल टू डी ओ एल दैट डी एफ एल इज से वन पॉइंट थ्री थ्री बार इंटू वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट थ्री थ्री बार इंटू वन पॉइंट वन वन बार वन पॉइंट थ्री थ्री बार इंटू वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन दूसरे का है टू इंटू वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन इसी तरीके से टू इंटू वन पॉइंट वन सेवन सिक्स फोर टू इंटू वन पॉइंट एट वन बार और ये तीसरा है हमारा फोर इंटू टू पॉइंट फाइव फोर इंटू वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन फोर इंटू टेन बताओ पहला वन पॉइंट सिक्स सिक्स बार अगला वन पॉइंट फोर टू एट फाइव सेवन या कैसे एट फाइव सेवन है अगला देखो वन पॉइंट नाइन जीरो आपके फ्रेंड कह रहे हैं सेकंड वाले में कुछ झोल है बताओ वन पॉइंट फोर टू के आगे क्या है मैं ना तुम्हारे ऊपर विश्वास क्या करूं कैलकुलेटर

सेवन अगला चार डेसिमल तक बता दिया करो यार टू पॉइंट एट फाइव सेवन वन आप चाहो तो दो डेसिमल तक राउंड ऑफ करो मैं एक्यूरेसी के चक्कर में चार पॉइंट लेता हूं मेरे अपने रीजन हैं आई लाइक मोर एक्यूरेट आई टेक फोर फाइव डेसिमल्स यू वांट टू राउंड ऑफ टू टू इट्स योर कॉल आई वुड प्रेफर टू गिव फोर फाइव डेसिमल्स बताओ भाई टू पॉइंट थ्री फाइव टू नाइन अगला थ्री पॉइंट सिक्स टू सिक्स थ्री बार अच्छा आगे बताओ टेन अगला फाइव पॉइंट सेवन टू बस आगे नहीं बताओगे सेवन वन फोर टू वन फोर टू और ये तो फोर्टी आई है अब हाईएस्ट और लोएस्ट बताना है तो ये रहा हाईएस्ट फोर्टी लोएस्ट ये दिख रहा है मेरे को शायद वन पॉइंट फोर एट वन इससे नीचे कोई नहीं है राइट तो इन्हीं बातों को लिख दो हाईएस्ट डीसीएल इज इक्वल टू सिचुएशन है प्लान टू लोएस्ट डी सी एल ये सर ये लोएस्ट है माई बैड ये लोएस्ट डी सी एल है लोएस्ट डी सी एल इज सिचुएशन ए प्लान टू दैट इज अगर आपने लिखनी भी हो तो वन पॉइंट फोर एट वन बार और हाइएस्ट डी सी एल इज इ गुड सिचुएशन सी प्लान थ्री फोर्टी ईयर किसी को कोई डाउट है तो योट वेल कम टू आस्क किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो मैं वेट कर रहा हूं नहीं तो अगला क्वेश्चन पढ़ो तीसरा सवाल तीन तिगाड़ा काम सवार पढ़ो हटाने लगो क्वेश्चन <laughs> लगा हूं बस जी करें डिस्कशन चलो खेली खेली करेंगे लाओ यार मेरे को भी ले आओ सो गाइज इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कह रहे फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनी लिमिटेड सोनी है लेकिन लिमिटेड सोनी है कहते बैलेंस शीट है मार्च को ओके okay, बता भाई क्या बैलेंस शीट है देखो हमें दे रहा है शेयर होल्डर्स फंड राइट इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपए के इक्विटी शेयर कैपिटल दस रुपए के रिजर्व से प्लस पांच लाख रुपए तो ये अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो पच्चीस लाख और ये पांच लाख नॉन करेंट लाइवलिटी ट्वेल्व परसेंट डिवेंचर्स है पचास लाख करेंट लाइबिलिटीज ट्वेंटी लाख है साइड टोटल एक करोड़ रुपए है जस्ट यहीं से इंटरेस्ट निकाल दो एक बार इसका बारह परसेंट छ लाख ये इंटरेस्ट हो गया अच्छा जस्ट फॉर नॉलेज मेरे को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी बता दो थाउजेंड शेयर है

फिक्स कॉस्ट पर है ना ब्लेस यू एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट तो ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट हो गई एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना 20 लाख टोटल असेस्ट टर्नओवर ओवर रेशियो इज फाइव टाइम्स ठीक है जी टोटल असेस्ट टर्नओवर ओवर रेशियो क्या होती है टोटल असेट्स ब्लेस यू टर्न रेशियो इज़ इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स। सो माय डियर फ्रेंड्स ये फाइव टाइम्स है और टोटल असेट्स आपको ये पता है ना एक करोड़ रुपए अगर ये एक करोड़ रुपए है तो इसके पांच गुना सेल्स है सेल्स कितनी हुई पांच करोड़ अगर सेल्स पांच करोड़ है तो आप बताओ वेरिएबल कॉस्ट इसका सिक्सटी परसेंट है तो वेरिएबल कॉस्ट इफ सेल्स इज दिस मच वेरिएबल कॉस्ट इज सिक्सटी परसेंट ऑफ दिस थ्री करोड़ ये कट्टा मारोगे तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन इज टू करोड़ इस टू करोड़ में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे कितनी कितनी बीस हजार बीस लाख बीस लाख कर देंगे माइनस फिगर्स इन लैक्स कर लेंगे टाइम तो बचेगा तो बीस लाख माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो क्या बचेगा ईबीआईटी वन एटी लैक्स इस ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं अभी अभी इंटरेस्ट निकाला था हमने सिक्स लाख सिक्स लाख इंटरेस्ट तो ईबीटी बचेगा वन सेवेंटी फोर लैख अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे इनकम टैक्स रेट ट्वेंटी फाइव परसेंट प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट तो बस इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करोगे लेस टैक्स कितना पच्चीस मारोगे तो ये आपका आ जाएगा EAT या PAT जो मर्जी कह दो लाख खत्म हो गया तो ये हमने पहला पार्ट इनकम स्टेटमेंट बना लेना है दूसरे में कैलकुलेट दिवरेजेस एंड कमेंट भी करना है तो आपने क्या करना है पहले लीवरेजेस अगर निकालनी है गाइज तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू कॉन्ट्रीब्यूशन दो करोड़ अपॉन ईबीआईटी एक सौ अस्सी लाख तो ये डीओएल एल आ जाएगा टू हंड्रेड एटी लाख टू वन पॉइंट वन वन बार फिर डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी क्या कहते हो कितना हुआ वन एटी लैख डिवाइड बाई वन सेवेंटी फोर लैख 1.03448 आप चाहो तो दो तीन डेसिमल पे राउंड ऑफ कर सकते हो मैं फ्रैक्शनल चार पॉइंट डेसिमल लूंगा मेरे रीजंस हैं मेरे को एक्यूरेसी ज्यादा पसंद है फिर से बोल रहा हूँ तो आई विल टेक फोर टू फाइव डेसिमल्स यू कैन राउंड ऑफ इफ यू वांट टू अच्छा डीएफएल कर लिया और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट डीसीएल निकाल सकते हो ड्यूअल इनटू डीएफएल इनको मल्टीप्लाई कर दिया टू वन पॉइंट वन फोर नाइन फोर वट एवर जैसा बोल रहा हूं ये हम लोगों ने कर लिया है इतना ही उसने मांगा था और साथ में फिर आपने एंड में देने कमेंट तो कमेंट में क्या कहना है आपने कहना है भाई सुनो मेरी बात डीफ तो पहले ही बहुत ही चिल्लड़ है वन के पास है बहुत ही कम है ऑपरेटिंग रिस्क उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है बट इन्होंने फाइनेंशियल स्कोर बहुत कम लिया है तो ओवरऑल रिस्क भी इनका वन के पास ही है बहुत ज्यादा तो है नहीं तो आप कह सकते हैं कि इनका लो फाइनेंशियल रिस्क है और अगर आप कहना चाहें तो मॉडरेट कहना चाहें तो मॉडरेट और ओवरऑल भी आपका मॉडरेट ही है आपने बहुत ज्यादा ओवरऑल रिस्क तो लिया नहीं बस एक एक सेंटेंस या एक ही सेंटेंस में सब कुछ भी लिख सकते हो मर्जी आपकी आप लोगों को मेरी मदद की जरूरत नहीं है इस सवाल में बट स्टिल मैं मदद कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन में देखो सबसे पहली चीज हमें जो है वो सेल्स निकाल के दिखानी है तो सेल्स आप वर्किंग नोट्स में बनाओ और वर्किंग नोट्स बाद में बनाओ तो ज्यादा अच्छा है तो इसलिए उसने फर्स्ट पार्ट जो बोला इनकम स्टेटमेंट तो मैं इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना रहा हूं और फिर वर्किंग नोट बना रहा हूं इनकम स्टेटमेंट मैं देखो रुपीज इन लैक्स लूंगा मुझे अंडे लगाने का कोई शौक नहीं है आप में से किसी को अंडे लगाने का शौक हो तो पूरा लिख सकते हैं आप आई हैव नो प्रॉब्लम चलो अब हमने क्या करना है सबसे पहले लिखनी है सेल्स और ये सेल्स में से आपने लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट सेल्स ब्रैकेट में सी वर्किंग नोट वन लेस वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोस्तों आप ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्सटी परसेंट ऑफ सेल्स है सेल्स हमने निकाल होगी उसका साठ परसेंट ले लेंगे ई माइनस करके जो आएगा कंट्रीब्यूशन आएगा कंट्रीब्यूशन में आप लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है ये तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो तो भाई ये ट्वेंटी लाख है ई माइनस करना है तो ई आएगा ईबीआईटी में से आप लेस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन ट्वेल्व परसेंट डेट या डिवेंचर्स जो भी है तो आप निकालोगे बारह परसेंट ऑफ पचास लाख कितना हुआ छ लाख ये कट्टा मारोगे तो ये आपका जो बचेगा इसे आप कह सकते हो ईबीटी इस में से लेस कर दोगे इनकम टैक्स जो कि है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये बच्चे का अर्निंग आफ्टर टैक्स यहीं तक बनाना था आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी थी ठीक है जी अब बना रहा हूं वर्किंग नोट वन ऐसे कहोगे टोटल असेस्टर्न टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स सेल्स डिवाइड बाय टोटल असेट्स तो ये हमें इतना दिया हुआ है फाइव फाइव इज इक्वल टू सेल्स मुझे नहीं पता बट टोटल असेट्स मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं रुपीज हंड्रेड लैक्स इसको वहां खोपचे में लेके जाता हूं तो ये सेल्स आ गई मेरी पांच लाख बस अब इस पांच लाख को ऊपर लेके जा रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट कर रहे हैं मैं वेट कर रहा हूं किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी तक इफ एनी बडी हैज एनी डाउट्स व्हाट्स एवर यू आर मोस्ट वेलकम टू है नेक्स्ट पेज ले रहा हूं लाओ यार, सो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका है 500 लाख जो अभी हमने वर्किंग नोट 1 में बनाया अब इस 500 लाख का 60% 300 300 लाख माइनस किया तो 200 लाख का कंट्रीब्यूशन बचा इस 200 में से 20 माइनस किया 180 180 में से 6 माइनस किया 174 174 का 25% आप बताओगे 43 लाख माइनस करोगे तो ये आपका वन थर्टी पॉइंट फाइव आ जाएगा किसी को कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो नहीं है तो अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं सेकंड के डी में एल मांग आइए शुरू करेंगे नीचे कर रहा हूं इनकम स्टेटमेंट छुपा रहा हूं दिस इज अ Good presentation, which will get you full out of full marks. Let's deal with the second part, KA. -e. My dear friends, DOL is equal to contribution upon EBIT. So, my dear friends, contribution upon EBIT, <coughs> excuse me, contribution is 200 lakhs upon EBIT is 180 lakhs. यही था आप ऊपर देख लो कॉन्ट्रीब्यूशन टू हंड्रेड अपॉन वन एटी इज इक्वल टू वन पॉइंट वन वन बार कूल सेकेंड नंबर बी पार्ट इज डी डी ओ एल डीएफल टूबीआईटी अपॉन ई बी टी ये हमने वन एटी लैक देखा था ईवीआईटी और छह लाख कटके वन सेवेंटी फोर लैक था ये आपने बताना है One point zero three three four four eight. So, my dear friends, C part is DCL is equal to DOL into DFL is equal to one point one one bar multiplied by one point zero three four four eight. 1.1494 तो कमेंट लिखते हैं द कंपनी हैज अ वेरी लो लेवल Of financial risk with a moderate, बहुत ही कम तो नहीं है but फिर भी कम बहुत ज्यादा भी नहीं है तो moderate operating risk रिस्क लीडिंग टू अ मॉडरेट ओवरऑल रिस्क मॉडरेट ही है बहुत ज्यादा नहीं है ओवरऑल रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है तो ये आपने लिखा किसी को कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आसमी नहीं है तो हम लोग एक सवाल और करने की कैपेबिलिटी रखते हैं लास्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे बट उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ फ्यू मोमेंट्स कि जो लोग भी कॉपी कर रहे हैं कॉपी करते रहे किसी को कोई डाउट है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आसमी नहीं है तो अगला सवाल शुरू करने से पहले मैं हटा रहा हूं इसको ओके okay? लाओ यार मेरे को भी ले आओ सो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ना आगे चल के मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस उसमें आप बहुत तरह की रेशियोज देखोगे

दो रेशियोज में ऑलरेडी आपको लिखवा चुका हूं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो शुरुआत में ही वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड है ना जी और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड तो एक बार सम इंपॉर्टेंट रेशियोज आप लोग हेडिंग डाल दो और लिख लो जैसे पहले अभी अभी हमने देखी थी टोटल एसेट्स टर्न ओवर रेशो ये रेशियो क्या बताती है कि हमने अपने टोटल एसेट्स को कितना अच्छे से यूज किया है टू जनरेट टर्नओवर या सेल्स तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्स या टर्नओवर कितनी जनरेट की है बाय यूटिलाइजिंग टोटल एसेट्स इस रेशो का प्रिंसिपल है जितना ज्यादा ये रेशो होगी उतना अच्छा द हायर द रेशो द बेटर इट इज ये सारी चीजें आपको लिखाऊंगा उस टाइम पे जब हम ये रेशो कर रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में विद हायर द रेशो द बेटर इट इज क्योंकि जितना ज्यादा आप ओवर सोचो मेरे दस लाख के असेट्स टोटल असेट्स यूज करके हमने दस करोड़ की सेल्स कर ली वाह यार आर सो गुड

लॉन्ग टर्म फंड या कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको यूज करके जो टर्न ओवर या सेल्स जनरेट किया तो सेल्स और टर्न ओवर एक ही बात है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड सेल्स या टर्न ओवर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे करके आप इसे निकाल सकते हैं कैपिटल टर्नओवर ओवर रेशियो को ठीक है जी तो आपने अपने लॉन्ग टर्म फंड्स या कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करके कितना टर्नओवर जनरेट की नाउ इफ एनीबडी आप में से कोई अगर ये मानना चाहता है जानना चाहता है कि सर ये टोटल मींस व्हाट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड मींस व्हाट तो मैं लिख भी देता हूं नीचे भी टोटल का क्या मतलब है लिखो टोटल टोटल असेट्स इज बेसिकली द साइड ऑफ बैलेंस शीट Assets side of balance sheet excluding fictitious assets. fictitious assets and losses. Excluding fictitious assets and losses. अब जैसे यहां पर इस क्वेश्चन में था पिछले क्वेश्चन में गाइस ये टोटल थे कोई नहीं थे वो, नहीं थे कोई नहीं नहीं वो फिक्टिशियस फिक्टिशियस अगर आपने सुना हो तो बहुत अच्छी बात है फिक्टिशियस नकली कई बार क्या होता है लोग धंधा शुरू करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं और धंधे को शुरू करने के लिए बिजनेस को शुरू करने के लिए कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए जाते हैं तो उसको सारे को एक साल में राइट ऑफ नहीं करते थोड़ा थोड़ा करके करते जिन्होंने भी टैक्स भी पढ़ाओ तो आपने टैक्स में भी पढ़ा होगा कि पांच साल में जैसे राइट ऑफ करते हैं तो पांच साल में राइट ऑफ करते हैं तो फिर वो जितना रिटर्न ऑफ नहीं होता उसको ये लोग क्या करते हैं एक हेड होता है एक्सपेंडिचर उसमें अस साइड पे दिखा देते हैं कि चल यार इसको बाद में राइट ऑफ करना है कि भाई हम इसका यारील एक्सपेंसिस जो है नंबर ऑफ इस में राइट ऑफ करेंगे उसका बेनिफिट कई साल का में होगा तो कई साल में राइट ऑफ करो तो उस हिसाब से ये जो होता है प्रिलिमिनरी नॉट ऑफ या से कंपनी कंपनी फंड्स अरेंज कर रही है उसमें अंडर को हायर करती है आपने कमीशन नाम सुनो। तो अंडर राइटिंग कमीशन को भी नंबर ऑफ इस में राइट ऑफ कर दिया जाता है ठीक है जी तो ये जो चीजें होती है जो नॉट रिटर्न ऑफ है वो एग्जाम्पल्स है मैं आपके लिए एक्साम्पल लिख रहा हूं यहां पर कोई कह एसेट्स क्या है एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ दूसरा इसी तरीके से अंडर राइटिंग कमीशन नॉट रिटर्न ऑफ इसी तरीके से अगर आपने डिस्काउंट पे अपने कोई डिवेंचर्स वगैरह इशू किए हैं या लॉस पे किए हैं तो लॉस एन इशू या डिस्काउंट एन इशू को भी नंबर ऑफ ईयर में राइट ऑफ करते हैं लोग पता होगा आपको अकाउंटिंग आपने पढ़ी होगी डिवेंचर्स का इशू करना लेट से सौ रुपए के डिवेंचर्स हैं 90 में इशू किए हैं और 10 साल बाद रिडीम करने तो आप हर साल एक एक रुपया राइट ऑफ करते हो है ना ऐसे करते हैं तो अकॉर्डिंगली लॉस स्लैश डिस्काउंट ऑन इशू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज या जो भी डिवेंचर्स कह दो रिटर्न ऑफ नॉट रिटर्न ऑफ एटसेट्रा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉसेस लॉसेस क्या होता है कई बार लोग जो है पीएंडल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो लाइबिलिटी साइड में रिजर्न सप्लस के हेड में दिखाते हैं और पीएं अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो उसको कई लोग क्या करते हैं लाइबिलिटीज में माइनस ना करके

आपने ऐसे निकाल के दिखाया किसी और तरीके से भी कह सकते हैं हाँ बिल्कुल किसी और तरीके से भी कह सकते हैं आप ऐसे भी कह सकते हो फिक्स प्लस करंट प्लस इन्वेस्टमेंट्स तो यू प्लस करंट असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स ठीक है जी ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो साइड एक्सक्यूज मी नहीं तो आप कैसे कह सकते हो टोटल एबिलिटी साइड हो शीट ऐसा भी तो कह सकते हो तो ऐसा भी कह सकते हो और इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस ठीक है जी दैट इज एंटायर लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट क्योंकि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो आपको पता ही है िटीज में ये मैंने कैपिटल भी शेयर होल्डर फंड कर दिया लाइबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट अच्छा फिर दूसरा इसी तरीके से आपको सेकंड नंबर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे निकाल सकते हो इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस पेड़ अप रेफरेंशियल कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स सो इक्विटी शोल्डर फंड प्लस पेड अप प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट सारे के सारे आपके लॉन्ग टर्म जो है फाइनेंस एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ठीक है जी अभी इस चैप्टर के लिए इतना ही काफी है इन डीप वी विल एनालाइज इसमें कुछ और भी चीज हरकत करेंगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ड्यूरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ठीक है जी तो क्वेश्चन नहीं बस मैं रेशियोज निकलवा के छोड़ रहा हूं रेशो थर्ड रेशो लिख लो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घर का नाम आर -E, इसको शॉर्ट में आर -E कहते हैं नहीं तो लोग इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बताओ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स घर का नाम आर ओ आई वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो है कैसे निकलती है ईबीआईटी एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपल एम्प्लायड इनटू हंड्रेड फोर्थ नंबर रिटर्न ऑन इक्विटी घर का नाम आर ओ न्यूमिरेटर होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स शॉर्ट में हम इसे ई ए भी कहते हैं ई ए तो बेसिकली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स में अगर प्रेफरेंस इवेंट भी है तो वो भी माइनस कर दो तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स बचता है अगर प्रेफरेंस नहीं है तो अर्निंग आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही टैक्सिंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स होता है दिस डिवाइड बाय इक्विटी शोल्डर्स फंड इन टू हंड्रेड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स ईएई डिवाइड बाय इक्विटी शोल्डर स्पॉन्स इन टू हंड्रेड अब यही एक पांचवी रेशो ईपीएस निकाल सकते हो यही न्यूमिनेटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर इज इक्वल टू तो यही अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शोल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गहराई में हम इन सारी चीजों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ेंगे दो मैं इन को नेक्स्ट क्लास में फिर से एक और बार बताऊंगा वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आप ऑलरेडी लिख चुके हो लिखूं फिर से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स इन ट्वेंटी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी आप लिख चुके हो सिक्स नंबर लिख लो डेट इक्विटी रेशियो डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट ऑन इक्विटी या आप ऐसे कह सकते हैं ऑर इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट्स डिवाइड बाय इक्विटी हम लोग कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स को इसको शेयर होल्डर्स फंड्स भी कहा जाता है या नेटवर्थ भी कहा जाता है या यहां पर जो इक्विटी होता है इट इज बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस पेडअप प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड प्लस पेडअप प्रेफरेंशियल कैपिटल बस ये बाकी इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे आप लोग होमवर्क सुन लीजिए पक्का पक्का करके आ सकते हैं आप ज्यादा सवाल नहीं है और ये पचास मार्क्स से कम गई है फिफ्टी मार्क्स तक का मैं कोशिश करूंगा होमवर्क देने की उससे ज्यादा नहीं तो क्वेश्चन नंबर वन से लेकर एट तक आप कर सकते हैं वन टू एट कर लीजिएगा ठीक है जी राइटिंग में करें तो बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं गिव्स यू अ बेटर कॉन्फिडेंस विदाउट लुकिंग एट आंसर किसी में आंसर देखना पड़ता है तो उसको मार्क कर लीजिएगा उसको फिर से कीजिएगा मेरी तरफ से बाय बाय हो चुकी है आई विल बी सींग यू डे आफ्टर टुमारो एट द सेम टाइम सी यू किसी को कोई डाउट हो तो यूर मोस्ट वेलकम टू आस्क बाय बाय है आई विल सी यू डे आफ्टर टुमोरो टाटा I hope you are finding this chapter interesting. Good, great. Please positively do revise your classwork the same day and do your homework within 24 hours. Do not accumulate pali vol Do it simultaneously. Sath ke saath Classwork revise karo, homework karo.